वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का बेहद स्वागत है। आपका आरओ एआरओ का रिवीजन बेहद शानदार तरीके से चल रहा होगा, ये मुझे पूरी पक्की उम्मीद है। तो आइए आज हम सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक रिवीजन करते हैं। आज की क्लास में हम 209 क्वेश्चन, जी हाँ 209 क्वेश्चन को जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और डेफिनेटली आपको इस क्लास से बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपके एग्जाम में ना सिर्फ जो PYQ होते हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसा कि मैंने अपने पिछले क्लास में भी बताया था, बल्कि जो नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी सिमिलर पैटर्न पे पूछे जाते हैं। यानी कि अगर एक टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया है और उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आपके तैयार हैं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जब दोबारा उसी टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इतना ज़्यादा सिलेबस होता है तो हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या पढ़ें, क्या छोड़ दें, इतने बड़े सिलेबस का रिविज़न कैसे करें। तो यहीं पे जो प्रीवियस क्वेश्चन है ये एक की तरह, एक कुंजी की तरह आपके सामने आते हैं, जो आपको ये रास्ता दिखाते हैं कि जिन जिन टॉपिक से एग्जामिनर ने बार बार क्वेश्चन पूछे हैं दैट मीन्स वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है कि एक भी सवाल मिस नहीं होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन वैसा ही पूछ लिया जाए या फिर उसके बेस पे पूछ लिया जाए तो 100% टिक वहाँ पर जो है होना चाहिए। इससे पहले देखिए आपका इकोनॉमी का यानी कि जो अर्थव्यवस्था के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक लेक्चर है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। आज हम 209 क्वेश्चन जो है यहाँ पर जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के सॉल्व करने वाले हैं, दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए अपने पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, है ना, सही सुमिलित नहीं है। तो ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद वॉशिंग पाउडर की बात कही गई है तो देखिए सोडियम कार्बोनेट, ये भी बिल्कुल ठीक है। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो एक्चुअली कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं है, बल्कि ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होना चाहिए, करेक्ट है। तो इसको जो है आप ध्यान रखिएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही तरीके से मैच नहीं है। एक तरफ एनिमल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी ब्रीड यानी कि नस्ल जो है आपको दी गई है। तो काऊ आपकी देवनी, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद बकरी बर्बरी, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बुफेलो भदावरी, दिस इज ऑल्सो वेरी करेक्ट। उसके बाद भेड़ यानी कि शिप को गिर से करेक्ट किया हुआ है, ये गलत है। आपको पता है कि जो गिर है वो शिप की ब्रीड के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो डी हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है आपका बायोडीजल प्लांट है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जैव डीजल पौधा जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया है और ये है आपका जेट्रोफा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो बायोडीजल है और पेट्रोल के अल्टरनेट के रूप में जो एथेनॉल है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। एथेनॉल से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्लीज़ देखकर जाइएगा। तो बायोडीजल बनाने के लिए हम जेट्रोफा जो एक प्लांट है इसको यूज़ कर रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसमें इसका जिक्र बार बार किया गया है। इसका ए आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है जिसमें साइंटिस्ट के नेम है और दूसरी तरफ एरिया ऑफ वर्क दिया गया है, तो आपको मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बिरबल सहानी, बिरबल सहानी जो है पैलियोबॉटनी से रिलेटेड है, यानी कि जो जीवाश्म का एक वनस्पति विज्ञान होता है उससे रिलेटेड है। केसी मेहता की बात करें तो केसी मेहता प्लांट पैथोलॉजी यानी कि पादप रोग जो है उससे रिलेटेड है।
पी महेश्वरी की बात करें तो पी महेश्वरी जो है आपकी एम्ब्रॉयोलॉजी यानी कि जो भ्रूण विज्ञान होता है उससे संबंधित है, और एम एस स्वामीनाथन तो आपको पता ही है ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति से जो है यहाँ पर रिलेटेड है। तो सही आंसर जो है हमारा वो बी यहाँ पर हो जाना चाहिए, करेक्ट है। तो इस तरीके से जो है इनको याद करके रखिएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला गया है जो रिंगमैन स्केल है उसका दरअसल किस चीज़ की डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए रिंगमैन जो स्केल है उसका पर्पज है स्मोक यानी कि धुएं का कितना घनत्व है इसको चेक करने के लिए, करेक्ट है। तो इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है कौन सा विटामिन सोल्युबल है इन वाटर यानी कि जल में घुलनशील विटामिन के बारे में आपसे पूछा गया है, और यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो आपका जल में घुलनशील विटामिन है, करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि फैट सोल्युबल यानी कि जो आपकी वसा होती है उसमें घुलनशील विटामिन कौन से और वाटर में कौन से है, तो इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि दरअसल जो डब्सन यूनिट है, राइट है, डब्सन जो इकाई है उससे क्या मापा जाता है। तो देखिए जो बेसिकली डब्सन आपकी यूनिट है ना उससे ओजोन कंसंट्रेशन मापी जाती है यानी कि आपका जो पर्यावरण आपका जो एटमॉस्फेयर आपका जो वातावरण है उसमें ओजोन का कितना एक तरीके से उस ओजोन की कितनी सांद्रता है ये जो है चेक किया जाता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओजोन पॉल्यूशन को भी लेकर जब बार बार न्यूज़ में आती रहती है चीज़ें तो फिर हमें इस तरह की बेसिक साइंस की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। एथ क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। एक तरफ जो है विटामिन्स एंजाइम और आपके जो हार्मोन्स प्रोटीन्स हैं वो दिए गए हैं, और दूसरी तरफ जो है बेसिकली किससे वो रिलेटेड है ये जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। ओके, मैच करते हैं। अगर हम विटामिन की बात करें तो कैरोटीन क्या है, आपका एक विटामिन है, करेक्ट है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। अगर हम एंजाइम की बात करें तो पेप्सिन से मैच हो जाएगा। हार्मोन आपका जो है बेसिकली प्रोजेस्टेरोन है, करेक्ट है, एक मेल हार्मोन ये माना जाता है। और अगर प्रोटीन की बात करें तो ये केराटिन है जो आपके हेयर और नेल्स में काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जो डी आंसर है वो जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि ये जो आपको कुछ हार्मोन्स के नेम यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कि इंसुलिन है आपका, साइटोकाइनिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है, इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है यानी कि पादप हार्मोन कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो साइटोकाइनिन है ना ये एक पादप हार्मोन है, तो बी जो है इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया है कि प्लांट किस फॉर्म में जो है नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए जो आपके पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए जो नाइट्रोजन है वो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपको पता है कि जब हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम अपने पौधों को यूरिया वगैरह फर्टिलाइज़र देते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो प्लांट होते हैं वो इस फ्री नाइट्रोजन को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है, मतलब कि वो इस फ्री नाइट्रोजन को एक तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इस नाइट्रोजन को दूसरे फॉर्म में बदलना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल को भी आप जो है पढ़ते हैं। यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा नाइट्रोजन को दरअसल नाइट्रीट में बदलना पड़ता है तब जाके पौधों के द्वारा जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो सी जो है यहाँ पे नाइट्रेट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुछ डाइट्स आपको दी गई हैं, इनमें से कौन सी वो डाइट है जो ह्यूमन की बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है, भाई सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको कौन से आहार से मिलती है, ठीक है। फैट प्रोटीन विटामिन है, विटामिन मिनरल वाटर है, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन्स हैं, बताइए कौन सा होगा। सी यहाँ पे होगा। देखिए जो फैट होता है ना यानी कि जो वसा है वो इंस्टेंट एनर्जी हमें देती है, ठीक है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी के लिए बहुत
इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा वाइटल है ही हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जो हमारे सेल होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो जितना भी हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें काम करती है उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और प्रोटीन हमें एनर्जी भी देता है, राइट। तो इसलिए यहाँ सी जो है, अगर अधिकतम ऊर्जा की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का कॉम्बिनेशन जहाँ पे आ गया ना वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, करेक्ट। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि कौन सी वो गैस है जो बेसिकली पॉलीथीन को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ की जाती है, यानी कि अगर आप पॉलीथीन बना रहे हो तो कौन सी गैस का जो है आप यहाँ पर यूज़ करोगे। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे इथिलीन जो है ये एक आपका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। इथिलीन एक सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ओके। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो रॉकेट है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है जी, किस सिद्धांत पर जो है रॉकेट काम करता है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया, ओके। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, राइट, अगर हम न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करें तो ये लॉ ये कहता है कि हर एक एक्शन का, ठीक है, हर एक एक्शन का एंटी रिएक्शन होता है, ठीक है जी, और इक्वल होता है, यानी कि अगर एक तरफ जितना धक्का लगा तो उसके पीछे उतना इक्वल एक उसका एक एंटी एक्शन भी होगा। जब हम रॉकेट की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो रॉकेट का इंजन है, राइट, उससे क्या है, बहुत सारी जो गैसेस हैं, करेक्ट है, जो बहुत सारी गैसेस हैं वो कहीं ना कहीं क्या है पीछे की तरफ निकलती है। एग्जॉस्ट जो है गैसेस का बहुत सारा एक एक्सपल्शन होता है। जब पीछे की तरफ बहुत सारी गैसेस निकल रही है, उनका एक आप कह सकते हैं एक्सपल्शन हो रहा है, हाई स्पीड एग्जॉस्ट जो गैसेस हैं, तो वो उतना ही क्या है फॉरवर्ड मूवमेंट जो है बेसिकली यहाँ पे रॉकेट को देंगी, ठीक है, आगे की तरफ एक धक्का देते हैं। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल आ जाता है फिर आपका बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन का, संवेग संरक्षण का। संवेग संरक्षण ये कहता है कि जो टोटल मोमेंटम होता है किसी सिस्टम का, यहाँ पे रॉकेट और गैस का मान लीजिए, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब जब रॉकेट ने गैसें पीछे की तरफ छोड़ी है ना, तो उसको आगे की तरफ धक्का देने के लिए एक मोमेंटम लगेगा जो कि बराबर होगा उसके। आई थिंक थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, बट यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो रॉकेट है, करेक्ट है, उसका एक मोमेंटम है, करेक्ट है, और जो गैसेस हैं, जो गैसेस हैं उसका एक मोमेंटम है। जो आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है कहता है कि भाई ये टोटल जो मोमेंटम होगा वो इन दोनों का इक्वल होगा, ठीक है जी। अब जब गैसेस पीछे की तरफ निकलेंगी तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, रिएक्शन का एक एंटी रिएक्शन होगा जो कि इक्वल होगा। तो इसके बराबर पीछे की तरफ अगर गैसेस निकली हैं तो आगे की तरफ भी धक्का लगेगा, और वही जो थ्रस्ट है, वही जो धक्का है वो रॉकेट को हेल्प करता है आगे बढ़ने में, ठीक है। मोटा मोटा ये कॉन्सेप्ट है, मैंने आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर मान लीजिए कन्फ्यूज़न फिर भी होता है तो याद बस कर लीजिएगा, संवेग संरक्षण, मोमेंटम कंजर्वेशन जो है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया है, एंटीबायोटिक्स किससे बनी है, वर्ड देखो एंटी प्लस बायोटिक्स, ठीक है। बायोटिक्स कहीं ना कहीं आपका बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम इन एंटीबायोटिक्स को भी बैक्टीरिया से ही बना रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, ओके। मूव ऑन करते हैं। पूछा गया है कौन सा सही तरीके से मैच नहीं है, ठीक है जी। कुछ एग्रीकल्चर से और साइंस से रिलेटेड इस क्वेश्चन को आप मान सकते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली बोला गया है कि मीज जो है टेस्लिंग, यानी कि मक्का जो है बेसिकली आपका क्या है नर मंजरी निकालना, इससे रिलेटेड है। तो देखो टेस्लिंग क्या होता है, टेस्लिंग दरअसल जो कॉर्न है प्लांट की ग्रोथ है उस को बताता है। जब इसकी क्या हो रहा होता है, जो मक्का है आपकी जब इसकी ग्रोथ हो रही होती है तो यहाँ पे क्या होगा, टॉप ऑफ द प्लांट, प्लांट के एकदम टॉप पे क्या होता है एक ना एमर्ज होता है छोटा सा फ्लावर, वो एक मेल फ्लावर होता है जिसको टेसल कहते हैं, जो बाद में रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है।
तो इसीलिए टेस्लिंग जो है मक्का से रिलेटेड है, दिस इज वेरी करेक्ट, ठीक है जी, ओके। देन दूसरा आता है आपका पैगिंग। पैगिंग क्या है? देखो क्या होता है कि जो पीनट्स होती हैं, जो मूंगफलियाँ होती हैं, जब उनका फ्लावर फर्टिलाइज हो जाता है तो एक स्पेशल टाइप का एक पैग जो है वो मिट्टी के अंदर भेजती हैं, और यही पैग बाद में क्या है, पीनट यानी कि मूंगफली बनता है। तो बी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल यहाँ पर क्या है, ठीक है। देन आता है टॉपिंग। टॉपिंग की बात करते हैं, देखो जो तंबाकू का प्लांट होता है उसमें टॉप पार्ट को यानी कि जहाँ पे फ्लावर रिमूव, जहाँ पे फ्लावर ग्रो होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो पत्तियाँ हैं वो ज़्यादा बड़ी बड़ी खिल के आती हैं, तो जब पत्तियाँ बड़ी बनेगी तो उससे बीड़ी सिगरेट बनाना जो है ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो टॉपिंग तंबाकू से रिलेटेड है, तंबाकू से रिलेटेड है, दिस इज ऑल्सो वेरी करेक्ट। फिर सी आया है आपका बेसिकली टिलरिंग। टिलरिंग, टिलरिंग दरअसल क्या होता है, जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं आपके, सीरियल क्रॉप्स जैसे वीट है, राइस है, बाल है, अनाज की जो फसलें हैं ना, उसमें क्या होता है, एक नई स्टेम, एक हल्के सा जो शूट होगा वो निकलता है, और जो मेन स्टेम है, ये आपका एक मेन स्टेम हो गया, इसी से जो है बेसिकली क्या है, आपके दो नए नए शूट या फिर स्टेम्स कह लीजिए वो निकलने स्टार्ट होते हैं, जिनको टिलर्स बोलते हैं, जिनको टिलर्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली इसमें एक तरीके से जो काबुली चना है, चिकपिया है, इससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि जो अनाज है ना, देखा होगा ना आपकी गेहूं की फसल कैसी दिखाई देती है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है ना, तो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आई है तो बढ़िया है, नहीं तो याद कर लीजिएगा कि जो ट्रिलिंग है वो चिकपिया से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे सही मैच हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो सी यहाँ पे जो है एक आंसर आपका होना चाहिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसमें बोला गया है टर्मरिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज, भाई हल्दी क्या है, भूमिगत तने का एक उदाहरण है, तो उस भूमिगत तने को बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको राइजोम बोलते हैं, ठीक है। ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है, तो डी का जो है यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं, पूछा गया है कि व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल अमंग द फॉलोइंग, यानी कि अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो क्या है, क्या एक विटामिन है, एक एंजाइम है, कीटनाशक तो खैर बिल्कुल नहीं है, इंसेक्टिसाइड तो नहीं है, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए काम आता है, विटामिन कुछ वो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंजाइम कुछ इस तरह के ऑर्गेनिक आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये एक स्ट्रॉइड है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ए हो जाएगा, करेक्ट है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक स्ट्रॉइड है, ओके। मूव ऑन करते हैं, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पहली बार है ना एक एनिमल को जो है क्लोन किया गया था, यानी कि पहला सफल क्लोन्ड जानवर अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है, तो शिप है, भेड़ है, भाई ये तो आसान क्वेश्चन है ना, हमने इतनी बार पढ़ रखा है, डॉली भेड़ वगैरह के बारे में पढ़ रखा है ना, बढ़िया। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी साउंड वेव जो है सितार से प्रोड्यूस होती है, प्रोग्रेसिव और लॉन्गिट्यूडनल, प्रोग्रेसिव और ट्रांसवर्स, स्टेशनरी एंड लॉन्गिट्यूडनल, स्टेशनरी और ट्रांसवर्स। हिंदी में देखें तो प्रोग्रेसिव मतलब प्रगामी, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य, राइट, और अगर ट्रांसवर्स की बात करें तो अनुप्रस्थ, ओके। थोड़ा सा समझते हैं, देखो यहाँ पे जो आंसर है वो है डी, स्टेशनरी और ट्रांसवर्स जो है यहाँ पे तरंगे निकल कर आती है। अब इसके लिए ना लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे चलते हैं और ट्रांसवर्स वेव कैसे चलते हैं ये पता होना चाहिए, तो खैर वो तो बेसिक साइंस में एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। देखो सबसे पहली बात तो याद रखना, जो सितार होता है उसके स्ट्रिंग जो है दोनों नोट पर फिक्स रहते हैं, ठीक है जी, बोथ एंड जो है स्टार की स्ट्रिंग के वो फिक्स रहते हैं, तो इसकी वजह से जो वेव इधर से चले और इधर से चले एक दूसरे को कहीं ना कहीं कैंसल आउट करते हैं, तो मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि जो वो वेव हो जाते हैं वो स्टेशनरी हो जाते हैं, ठीक है, वो स्टेशनरी हो जाते हैं। दूसरा देखोगे कि जो वेव का डायरेक्शन है, अगर वेव इस डायरेक्शन में चल रही है तो बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशन है वो इस डायरेक्शन में होता है, तो क्या होता है ये परपेंडिकुलर मामला आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो आपके ये बनेंगे ये आपके ट्रांसवर्स वेव बनते हैं,
देखो ये एक बहुत ही आप कह सकते हो डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, वेव्स की बेसिकली डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली उनको समझना कि वो ट्रांसवर्स है लॉन्गिट्यूडनल है। ज्योग्राफी में जब अर्थक्वेक पढ़ोगे वहाँ पे पी वेव एस वेव पढ़ोगे तभी आता है, बट आर ओ के पेपर में इतनी डीप नॉलेज वाले क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो यू जस्ट हैव टू मग अप द फैक्ट्स, आप थोड़े से क्या है फैक्ट्स को याद कर लीजिए। तो यहाँ पे डी आंसर है, ये आपको बस एक याद रखना है, ठीक है जी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि आपके सामने चार स्टेटमेंट हैं और कौन सी स्टेटमेंट नहीं ठीक है वो आपको बतानी है, नॉट करेक्ट बतानी है। तो द ह्यूमन ईयर इज मोस्ट सेंसिटिव एट 1000 हर्ट्स, भाई मनुष्य का कान 1000 हर्ट्स पर सबसे ज़्यादा सुग्रही हो जाता है, ठीक है। रेंज दरअसल ये जो है ये अगर आपकी मानी जाए तो रेंज जो है ये 1000 से लेकर लगभग 4000 हर्ट्स तक की है, जिसको लेकर ह्यूमन का जो ईयर है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। प्रसिस्टेंस ऑफ हियरिंग इज 1/10 है, सुनने की अगर हम वो देखें तो हमारा माइंड और जो हमारा हियरिंग वाला ये पूरा इंट्रैक्शन चलता है तो 1/10 सेकेंड है, ये भी बात बिल्कुल ठीक ही है यहाँ पे। और द प्रसिस्टेंस ऑफ विजन की बात करें तो 1/16 सेकेंड है, ये भी ठीक है, याद कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो गलत क्या है, ये कह रहा है ह्यूमन आई सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रेड कलर के लिए होती है, नहीं मनुष्य की जो आँख है वो लाल रंग के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती, वो ग्रीन कलर के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बी ही जो है एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो बी हमारा जो है यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस ओके, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि दो आइडेंटिकल बल्ब हैं उनको हम भाई कैसे कनेक्ट करें कि सबसे ज़्यादा रोशनी मिले। देखो जो बिजली से चलने वाली चीज़ें होती है ना, या तो आप उनको क्या सीरीज में लगा सकते हो, ठीक है, या फिर क्या है आप उनको पैरेलल लगा सकते हो। तो सबसे ज़्यादा रोशनी कब मिलेगी, जब आप उनको पैरेलल लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बेसिकली आंसर है वो ओनली 2 होना चाहिए, सीरीज वाला नहीं पैरेलल वाला होता है वो। आपको जो है बेसिकली दो आइडेंटिकल बल्ब अगर है उनको पैरेलल में अगर आप लगा दोगे तो वो सबसे ज़्यादा लाइट आपको देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे बी आपका आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए पूछा है कि कौन सा वो एलिमेंट है जो बेसिकली ऑयल के ऑयल जो होता है मस्टर्ड के अंदर उसको इंक्रीज करने में बहुत यूज़फुल है। देखो आपकी सरसों कब अच्छी मानी जाएगी भाई, जब उसके अंदर ऑयल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल अगर आप निकाल पाओगे सरसों से। तो कौन सा एलिमेंट है कि ऑयल की मात्रा को बढ़ाने में भाई आपको हेल्प करता है, तो सल्फर। सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो दरअसल सीड की यील्ड को, ऑयल के कंटेंट को, उसकी क्वालिटी को लेकर जो है एक अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे सल्फर को याद रख लेना, ठीक है, सल्फर, ओके, बी आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं। पूछा गया है कि द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पॉल्यूटेंट, अगर भाई जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक है ना, जिसको हम एच बेसिकली SP में बोल देते हैं, उसके लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है, यानी कि ये जो पॉल्यूटेंट है, ये जो प्रदूषक है, कहाँ से भाई ये निकल कर आपके पास आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा जो डिकेइंग वेजिटेशन और एनिमल मैटर होता है, सड़ती हुई जो वनस्पतियाँ पशु पदार्थ वगैरह है, वो एक बड़ा सोर्स है जहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड पॉल्यूटेंट रिलीज होता है। तो ए जो है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ओके, अच्छा क्वेश्चन था। 24 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि लीवर पर अगर आप 10 दिन से ज़्यादा फास्टिंग करो तो उसका क्या एक प्रभाव पड़ेगा। देखो अगर बहुत ज़्यादा दिन तक फास्टिंग करते हो तो आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। ग्लूकोज एक वो मेन एलिमेंट है जो आपके बॉडी को डे टू डे फंक्शन करने के लिए क्या है, एनर्जी देता है। तो हम फूड खाते हैं, वो फूड जो है सबसे सिंपल शुगर में टूट जाता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो बेसिकली इसका लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाएगा। साथ ही इसका ए आंसर हो जाएगा, लेकिन ये याद रखना जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं ये भी थोड़े थोड़े कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। ये भी क्या है आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी कि ये भी कम होते हैं, करेक्ट है, लेकिन जो सबसे मोस्ट करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, ओके। मूव ऑन करते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। जो सिल्क है ना,
वो अगर बेसिकली क्या है, प्रोड्यूस किया जाता है, जस्ट सेकेंड, यस सही है ना, करेक्ट, ओके 25th, यहाँ पे पूछा गया है कि जो सिल्क है जो स्पाइडर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि मकड़ियाँ जिस सिल्क को बेसिकली उत्पादित करती हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको गोसामर सिल्क बोलते हैं, ठीक है। टसर मूंगा, ये तो आपने नाम सुन ही रखे हैं, ये भी याद कर लीजिएगा कि जो गोसामर रेशम है वो मकड़ी वाला है, ठीक है, तो बी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला गया है कि कौन सा फूड आइटम ऐसा है जो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड का सोर्स है। अब ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप इस तरह की डाइट प्रेफर करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको कंज्यूम कर सकते हो। ओके, क्या पूछा है भाई, देखो जो भी हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट अमीनो अम्ल होते हैं, देखो अमीनो जो एसिड्स हैं ना, वो आपकी बॉडी के अंदर जो आपके मसल्स बनते हैं, है ना, उनको बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कहीं ना कहीं प्रोटीन को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स जो है आपको अंडे में मिल जाएंगे, एग में मिल जाएंगे, तो अगर आप एग वाली डाइट प्रेफर करते हो तो एज अ स्टूडेंट आपको एग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, राइट। चलिए, तो सी इसका जो है एक आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द 27th क्वेश्चन इज द मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ तुलसी प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। हम कहते हैं ना, मैं तुलसी के पौधे में मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, औषधीय गुण होते हैं, कोविड में हमें और ज़्यादा ये सारी चीज़ें पता चली, राइट, और हमने अपनी इम्यूनिटी के लिए भी जो है इनको कंज्यूम करना शुरू कर दिया। मैं तो चाय में तुलसी डाल के जो है पीना बहुत प्रेफर करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, तो किस लिए है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, ये पता होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे ना, तो तुलसी के अंदर जो आपका बेसिकली फिनोल और फ्लेवॉइड्स है, राइट, उनकी वजह से जो है ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, तो सी जो है इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट है, ध्यान रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव ऑन करते हैं, पूछा है कौन सा करेक्टली मैच यहाँ पर नहीं है, राइट, ओके। तो यहाँ पे देखिए, बुफेलो बेसिकली भदवारी, जस्ट हमने इससे पहले भी पढ़ा, और मैंने इसीलिए कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है, देखो हो गया ना रिपीट, है ना। फिर काऊ की बात करें, सिंधी, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद गोट की बात करें तो जमुनापारी, दिस इज अगेन ठीक। फिर इसके बाद बात करें शिप की, तो बेसिकली थार पार्कर से, नो, ये जो थार पार्कर वाला एक नस्ल है, ये कैटल की जो नस्ल होती है ना उससे इम्पॉर्टेंट है। दरअसल ये एक ऐसी ब्रीड है जो ना सिर्फ दूध यानी कि मिल्क जो है अच्छे तरीके से देते हैं, बल्कि ड्रॉट इनके अंदर पोटेंशियल भी होता है, मतलब अगर सूखे की सिचुएशन है तो भी ये जो ब्रीड होती है ये अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैटल की एक ब्रीड है ना कि शिप की, तो डी ही इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया काशी लालिमा एक स्पीसीज है, कौन से फसल की स्पीसीज है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये एक मेरे को लगा है। जो काशी लालिमा है, एक्चुअली आप देखोगे ये एक तरीके से जो भिंडी होती है ना, भिंडी ये उसके लिए जो है एक बनाई गई है, और ये भिंडी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भिंडी का एक ओरिजिनल कलर होता है ग्रीन, ये ग्रीन ना होकर रेड कलर की होती है, ठीक है जी, तो ये रेड कलर की होती है, इसीलिए नाम दिया गया है इसका काशी लालिमा, तो बी इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है कि फॉर व्हाट पर्पस इज द वर्क ऑफ ग्राफ्टिंग और गुटी इन प्लांट्स डन। तो ये जो बेसिकली ग्राफ्टिंग या गूटिंग वाला काम है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, ठीक है जी, यानी कि वनस्पतिक प्रसारण के लिए जो है किया जाता है, तो बी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं, व्हाइट क्लोथ्स ज़्यादा ठंडे होते देन ब्लैक क्लोथ्स बिकॉज। क्या बोला है कि भाई आपके जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो डार्क या ब्लैक कपड़ों के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंडे होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो डार्क कलर होता है वो आपकी जो सन की लाइट है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। वही जो लाइट कलर के क्लोथ होते हैं ना, वो इन जो सन की लाइट होती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। इसीलिए जो हमारी अर्थ के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी स्नो बेसिकली ढका रहता है,
तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लाइट है आपकी वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है जी। तो इसलिए वहाँ पे वो ठंडा बना रहता है, इतनी जल्दी स्नो पिघलती नहीं है, क्योंकि जो स्नो है उसका इतना लाइट कलर है कि वो वहाँ पे उस लाइट को अब्सॉर्ब ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम ठंडे गर्मियों में ठंडे कपड़े लाइट कलर के फिर पहनना जो है प्रेफर करते हैं, क्योंकि दे रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट, ठीक है जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या है, बेसिकली कुछ आपको एक तरीके से डिवाइसेस और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। उनकी डिस्कवरी कब हुई थी, इस बेस पे उनको आपको क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर लगाना है, ठीक है जी। तो अगर हम देखें जो डायोड्स है, तो डायोड जिस बेसिक प्रिंसिपल पर बात काम करते हैं, क्रिस्टल डायोड का जो एक बेसिक ऑपरेशन होता है, उसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 1874 में जाके हुई थी, ठीक है। ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर का काम करने का तरीका सक्सेसफुली जो डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, जो दिखाया गया था, वो 1947 के आसपास की बात है, दिसंबर में, राइट है। ओके, इसके बाद जो आपके SMD होते हैं यानी कि सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी है, ये करीब 1960s के दशक में जो है बेसिकली दिखाई गई थी। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करें, तो जो आपका फर्स्ट प्लानर मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड एक सर्किट चिप थी, उसके बारे में सबसे पहले जो है अगर आप देखोगे तो 1960 में जो है बेसिकली बताया गया था, ठीक है जी। तो 3, 4, 1, 2 यानी कि बी जो है इसका एक आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। क्या यही हो रहा है इसका आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे इसके हिसाब से सी बैठेगा, है ना, 2, 1, 4, 3, यस, जो मैंने ईयर आपको बताए, तो इसका जो एक आंसर है वो यहाँ पर सी हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 2 इनको आपको क्या है एक तरीके से मैच करना है, तो ठीक है देखते हैं मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका एसिड, एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, तो जो विनेगर के अंदर एसिड है वो आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड, यानी कि सिरका में उपस्थित अम्ल आपका होता है एसिटिक अम्ल, राइट। देन सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध जो खट्टा हो जाता है किस वजह से हो जाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है जी। ओके, देन इसके बाद आपका दिया हुआ है कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, बोन्स में कौन सा भाई एक यौगिक होता है, तो कैल्शियम, दिस इज़ वेरी इजी, है ना। और लास्ट बचा आपका एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो बी हो जाना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 क्वेश्चन, इसमें से बोला गया है दो स्टेटमेंट आपके सामने, रेडियो एक्टिविटी को लेकर है यानी कि रेडियो धर्मिता को लेकर है, और आपको क्या है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियो प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक बात है, नाभिकीयता का गुण है, सही बात। हाइड्रोजन बम इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विघटन के सिद्धांत पर परमाणु बम जो है हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, गलत। दरअसल जो आपका नाभिकीय फ्यूजन है यानी कि नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर नाभिकीय संलयन बोल दीजिए, इसके बेस पर जो है हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत, ये वाला ठीक, ओनली वन यानी कि ए जो है यहाँ पर आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बोला गया है कि बेसिकली कौन सा पेयर ऑफ गैसेस यूज किया जाता है जो डाइवर्स होते हैं उनकी ब्रीदिंग एक्टिविटीज में, गोताखोर होते हैं ना, तो सांस लेने में कौन सी गैसेस का यूज करते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया, तो ये है ऑक्सीजन एंड हीलियम, ठीक है जी, ऑक्सीजन एंड हीलियम, आसान क्वेश्चन है, मूव ऑन करते हैं। ओके, यहाँ पे पूछा गया द विंसी और आपका बेसिकली जो वेरिटास है वो नासा द्वारा घोषित किए गए दो मिशन है, तो किससे रिलेटेड है, वीनस से, ठीक है जी, शुक्र जो है उससे ये रिलेटेड है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, इम्पॉर्टेंट ये एग्जैक्टली नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट ये है, अगर हाल फिलहाल में कुछ मिशन नासा या इसरो की तरफ से घोषित किए गए हैं तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे आदित्य मिशन सन को लेकर जो है भारत का एक मिशन है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ओके, 37 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कुछ प्लांट हार्मोन दिए गए हैं और उन प्लांट हार्मोन का यानी कि पादप हार्मोन का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है।
ऑक्सिन की बात करें, ऑक्सिन कहीं ना कहीं एक शिखर प्रधानता, पीक डोमिनेंस, एक ग्रोथ से रिलेटेड हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपका ज़िब्रेलिन की बात करें तो ये सेल ग्रोथ यानी कि जो कोशिका वृद्धि है उससे रिलेटेड हो जाता है। और साइटोकाइनिन की बात करें, थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था, साइटोकाइनिन की बात करें तो ये जो है आपका सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन से रिलेटेड हो जाता है। और बेसिकली आपका एबेसिसिक अम्ल की अगर हम बात करें तो ग्रोथ इनहिबिटर है, वृद्धि अवरोधक होता है ये, ठीक है जी। तो इनको याद कर लेना, प्लांट हार्मोन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आई थिंक बी हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो मैच द फॉलोइंग में कई बार बताने में ना चीज़ें इधर उधर हो जाती है, बट आप थोड़ा सा समझ लिया करो कि बेसिकली क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, राइट। ओके चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, 38। इसमें पूछा गया है, एक अजर्शन है, एक रीजनिंग है, कथन दिया गया है, उसका कारण दिया गया है, ठीक है। अजर्शन ये कहता है, कथन ये कहता है, ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ऑल द विटामिन्स फॉर इटसेल्फ, कि मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, भाई बॉडी खुद ही बना लेती है सारे विटामिन। ये गलत है। अगर ऐसा होता कि हमारी बॉडी सारे विटामिन्स बना पाती तो फिर हमें वो गोलियां क्यों लेनी पड़ती विटामिन्स की, है ना। इतनी सारी चीज़ें जो हम आजकल खाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें कई बार कुछ चीज़ें अपनी डाइट को भी लेकर मेंटेन करनी पड़ती है, कई बार हमें पिल्स भी लेनी पड़ जाती है, ठीक है। फिर कह रहा है विटामिंस आर असेंशियल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। विटामिन बोल लो, विटामिन बोल लो, है ना, इट्स जस्ट द प्रोनंसिएशन। इंग्लिश वैसे भी हमारी भाषा है नहीं, हिंदी लोगों को जो है अच्छे से पहले आनी चाहिए, देन इंग्लिश भी आनी चाहिए। वेल बैक टू द टॉपिक। तो भाई शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन जो है अनिवार्य होता है, जी हाँ ये बात ठीक है। देखा जाए तो हमारा कथन गलत है लेकिन कारण हमारा सही है, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे डी होना चाहिए, है ना। चलो बहुत बढ़िया, मूव ऑन करते हैं। बोला गया है कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा थी जो कि कई बार कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की गई है, कौन से प्लांट की बाग से, छाल से जो है आपको प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर आपका बेसिकली सिनकोना। अगर हम सिनकोना की बात करें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, और कोविड की वजह से तो वैसे भी न्यूज़ में था, ठीक है। तो पहली बात तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में भी जो सिनकोना है उसका एक यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भूख बढ़ाने के लिए, डाइजेस्टिव जो जूस होता है ना उसको इंक्रीज़ करने के लिए, यहाँ तक कि स्टमक से रिलेटेड जो अदर प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए भी सिनकोना का यूज़ किया जाता है। और तो जो ब्लड वेसल डिसऑर्डर्स होते हैं ना उनके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, याद रखने की कोशिश करना, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओके मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है जी। ओके तो यहाँ पे देखते हैं, बेसिकली मस्टर्ड वरुणा सही बात है, उसके बाद मटर पी आपका रचना, दिस इज आल्सो करेक्ट, लाइनसीड नीलम, दिस इज आल्सो करेक्ट, और जो आपका पेडी यानी कि राधे ये एक्चुअली यहाँ पे सही मैच नहीं है, ठीक है जी। तो इस क्रॉप का कोई इस नाम का स्पीसीज अभी तक तो हमें नहीं पता चला है, तो डी आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, जैव निम्नीकरण है, यानी कि अगर उसको भाई बाहर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो सड़के गल के वो खुद ही क्या है मिट्टी में मिल जाता है, धूप पानी से मिलकर जो है हो जाता है, जैसे सड़े गले पत्ते, है ना। हमने देखा पत्ते कभी एज इट इज थोड़ी बड़े रहता है, कभी ना कभी वो मिट्टी बन जाता है, तो बायोडिग्रेडेबल है ये चीज़ें। तो कौन सा है, देखो प्लास्टिक तो नहीं है, पॉलीथीन भी नहीं है, मरकरी भी नहीं है, रबर है, नेचुरल रबर जो है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है जी। ओके मूव ऑन करते हैं, प्लास्टिक अगर बायोडिग्रेडेबल होता फिर तो प्रॉब्लम ही क्या थी, राइट। चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसको हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसको हम जैव उर्वरक के रूप में जो है यूज़ करते हैं, दिस इज साइनोबैक्टीरिया, ठीक है जी। ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको एज अ बायो फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुसुम राइट है, एक तिलहनी फसल है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो अगर हम बात करें इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कार्थेमस टिंकोराइसिस, राइट है, तो ये इसका सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके जी मूव ऑन करते हैं 44 क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला गया है
कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, यानी कि आपका जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसकी कुछ क्या है टेक्निकल प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ तकनीकी परियोजनाएं हैं, कौन सी किस ईयर में आई, इस बेस पर क्या है आपको यहाँ पे उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, कृषि विज्ञान केंद्र आए हैं, देन लैब टू फील्ड प्रोग्राम को लेकर कुछ काम दिखाई देता है, फिर नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में चीज़ें आई हैं, देन नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट है। देखो ये इनके आप ईयर भी याद करो, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे तो हर एक संस्था के इतने सारे इनिशिएटिव है, कहाँ तक याद करोगे, बट ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में आ गया उसको एक बार थोड़ा सा देख लो। तो आई होप ए इसका जो है सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है जी। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है इसमें कि लिकर जो होता है, जो कि बार्ले सीड्स के एक तरीके से फर्मेंटेशन से बनता है, यानी कि जो अंकुरित बार्ले के बीज होते हैं ना, उनके अगर फर्मेंटेशन किण्वन से जो लिकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं। ये तो लड़कों को तो इसका आंसर पता ही होगा, होना चाहिए भाई, है ना। तो इसका जो आंसर है ए होगा। वेल दिस इज जस्ट मजाक की बात थी, बट एक्चुअली मैं जब इस लेक्चर को प्रिपेयर कर रही थी तो मेरा जो भाई है ना, उन्होंने जो है इसका आंसर दे दिया था बड़े आराम से, हालांकि वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो यस, उनको मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता होता है। तो हाँ, ये एक मतलब चीज़ थी। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्पेस क्राफ्ट है नासा का, है ना, जिसने मून पर वाटर की जो प्रेजेंस थी उसको कंफर्म किया था, ठीक है, ये कौन सा था आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में जो है आपका यहाँ पे जो सोफिया है, ठीक है, ये आंसर यहाँ पे ठीक होना चाहिए। ये देखिए न्यूज़ में इसलिए भी था कि जो चंद्रयान था वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आपको पता ही था। इससे पहले भी जब भारत का जो चंद्रयान मिशन गया था उस पर नासा का एक इंस्ट्रूमेंट गया था, उस नासा के इंस्ट्रूमेंट ने भारत के चंद्रयान मिशन के दौरान जो वाटर है मून पर उसका पता लगाया था। तो इसीलिए ये आज के कॉन्टेक्स्ट में भी क्या है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 47 की बात करते हैं, इसमें बोला गया है कि देखिए अगर किसी का ईमेल एड्रेस ढूंढना हो, कोई यूज़र है उसके ईमेल एड्रेस को ढूंढना हो, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कौन सा टर्म है जिसको आप यूज़ करते हो। तो देखिए किसी का ईमेल एड्रेस ढूंढना अच्छी बात तो नहीं है अनऑथराइज तरीके से, बट फिंगर जो है बेसिकली दिस इज़ द वर्ड जिसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और देखा जाए तो कई बार इसको अनऑथराइज्ड तरीके से जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो यूज़ करते हैं, दूसरे लोगों के ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड वगैरह को एक तरीके से एक्सेस करने के लिए, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। मूव ऑन करते हैं 48 क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि बेसिकली जो आयरन मेटल होती है ना, उस पर फिर जब कोरोजन स्टार्ट हो जाता है तो उसके लिए कौन सा एक असेंशनल जो है एलिमेंट है। अगर लोहे की धातु पे आपका जंग लग रहा है, शोकरण हो रहा है उसका, तो क्या आवश्यक है। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन जो है बेसिकली यहाँ पे एक सही आंसर आपका होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन से बात नहीं बनेगी, मॉइस्चर नमी भी होनी चाहिए। अगर नमी है और वहाँ पे ऑक्सीजन है, राइट, तो लोहा जो है धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो सही आंसर होगा मोर एक्यूरेट वो आपका बी हो जाएगा, है ना, ऑक्सीजन एंड नमी। ओके, 49 क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स प्रेजेंट इन द वाइट लाइट इज लीस्ट डेविएटेड बाय ए ग्लास प्रिज्म। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, सफ़ेद रंग की लाइट दो तो यहाँ से आपका विपग्योर निकलता है। तो देखो वो पूछ रहा है कौन सी लाइट ऐसी है जब आप उसको प्रिज्म से निकालते हैं सबसे कम जो है वो विचलित होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे जो वायलेट है वो आपका सबसे ज़्यादा विचलित हुआ है, और जो आपका रेड है ये सबसे कम अपना रास्ता चेंज कर रहा है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर जो है आपका यहाँ पे रेड होना चाहिए, यानी कि बी, ठीक है जी। तो उस डायग्राम से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्या है क्लियर हो गई है। ओके, मूव ऑन करते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस
इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ, वह पृथ्वी पर प्राकृतिक तरीके से मिलने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो आपका डायमंड है, यानी कि हीरा है, करेक्ट है। ओके, मूव ऑन करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि कौन सा जो एसिड है वो कार की बैटरीज में यूज किया जाता है, कौन सा अम्ल है जो आप कार की बैटरीज में यूज करते हो, तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सी जो है आपका यहाँ पर एक आंसर होना चाहिए। ओके, मूव ऑन करते 52 क्वेश्चन की तरफ, बोला गया पोटैटो चिप्स को जब आप प्लास्टिक के बैग में पैक करते हो तो किस तरह का एक एटमॉस्फेयर होता है, कौन सी गैस का, मतलब वहाँ पे हम एटमॉस्फेयर जनरेट करते हैं, नाइट्रोजन गैस का करते हैं, ऐसा क्यों? देखो नाइट्रोजन क्या है, एक इनर्ट गैस है, मतलब कि एक तरीके से ये ज़्यादा किसी के साथ रिएक्शन आराम से करता नहीं है, तो हम क्या करते हैं जब इन बैग में चिप्स को भर रहे होते हैं तो नाइट्रोजन गैस का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं। इससे क्या है, तो चिप्स को हम ऑक्सीजन के एक्सपोजर से बचा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन की वजह से आपका होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से क्या है, चीज़ें आपकी होनी शुरू हो जाती है ख़राब, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या है ना, जिस भी चीज़ में फैट या ऑयल होता है उसको क्या है, डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बताई है, ठीक है, चलिए ए आंसर हो गया। 53 क्वेश्चन, कौन सी जो प्रोसेस है वो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को प्यूरीफाई करने में यूज़ नहीं होती, यानी कि अगर कोई ठोस है, ठोस अशुद्धियाँ हैं उनको शुद्ध करना है तो कौन सी प्रक्रिया काम की नहीं है? देखो सबलाइमेशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों ही जो है आपके सॉलिड इम्प्योरिटीज को दूर करने में काम आती है, बट जो आपका डिस्टिलेशन है, आसवन है, ये जो आपके लिक्विड्स होते हैं ना उनके प्योरिफिकेशन में काम आता है, तो यहाँ पे ये जो आपका आसवन है यही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बात सॉलिड की हो रही है, लिक्विड की नहीं। ओके, बहुत बढ़िया, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54, जो आपका बेसिकली एस्फोजिडा होता है, यानी कि हींग की बात करते हैं, वो कहाँ से आपको जो है मिलता है, तो जो आपका स्टेम सेक्रेशन होता है ना, तने का जो एक स्राव होता है वहाँ से आपको मिलता है, ये इसका आंसर होना चाहिए। ओके, आई थिंक देर इज सम कंफ्यूजन, यस एक्चुअली ये रूट्स के एक्सट्रैक्शन से मिलता है, यस यस यस, मैं अपने आप को करेक्ट यहाँ पे करना चाहूँगी, जड़ों के एक्सट्रैक्शन से बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिस्ट दी हुई है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, तो इनको क्या है आपको बेसिकली यहाँ पे मैच करना है, करेक्ट, तो चलिए मैच कर लेते हैं। विटामिन के आपका हो गया अल्फा अल्फा, राइट है, विटामिन डी आपका जो है रिलेटेड है कोट लीवर ऑयल, विटामिन ई की अगर हम बात करें तो वीट जर्म ऑयल, और विटामिन सी लेमन ईजी है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो डी होना चाहिए, करेक्ट है। ओके, मूव ऑन करते हैं, 3-chamber हर्ट कहाँ पे मिलता है, तो जो एम्फीबियंस होते हैं ना, उभयचर होते हैं, उनमें 3-chamber हर्ट मिलता है, इसमें एक्चुअली 2 आर्ट्रिया होते हैं, 1 जो है आपका वेंट्रिकल होता है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका कुछ हद तक जो है सेपरेशन हो जाता है, हालांकि कंप्लीट एफिशिएंसी के साथ नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट एफिशिएंसी के साथ ये वहाँ होता है जहाँ पे 4-chamber हर्ट आपको मिलता है, फॉर एग्जांपल मैमल्स, राइट। ओके, मूव ऑन करते हैं, यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, तो वीट आपका बेसिकली क्या है, फ्लेरिस माइनर, ठीक है, पेडी जो है आपका बथुआ, ठीक है, उसका बासीम आपका कासनी, ये भी ठीक है, पिया प्याजी अनियन नहीं, देखो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो पेडी की फील्ड में फिर भी एक वीड के रूप में, खरपतवार के रूप में बथुआ आपको मिल जाता है, लेकिन जो मटर की फसल होती है ना वहाँ पे जो प्याजी है रेयर कभी मिल जाता है, बट बहुत जनरल मिलने वाला वीड नहीं है, तो जो सबसे सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए वो सी होना चाहिए, ठीक है, तो ये जो आंसर है इसको प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये सी होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो प्याजी है वो ओकेजनली कई बार जो मटर की खेत होते हैं वहाँ पे मिल जाता है, बट टिपिकली इसको एक मेजर वीड के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दी है। मूव ऑन करते 58 क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज एन एडल्ट्रेंट फॉर मस्टर्ड सीड, भाई जो आपके सरसों के बीज होते हैं उसमें अगर मिलावट करनी है तो फिर किस चीज़ के जो है बीजों को मिलावट के लिए यहाँ पे यूज़ कर लिया जाता है, तो अर्गमोन जो सीड होते हैं, अर्जमोन बोल लीजिए, इनको यूज़ किया जाता है, ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
ओके, 59 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ओशियन के अंदर सबमर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने के लिए काम आता है, तो ये है आपका सोनार, राइट। ये क्या है आपका सोनार है। देखो सोनार आपका क्या हुआ, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो गया। इसमें क्या होता है, हम जो साउंड वेव्स होते हैं, ठीक है जी, जो साउंड वेव्स होते हैं उनका यूज करते हैं ताकि अगर अंडर वाटर कोई ऑब्जेक्ट है, सी फ्लोर पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको डिटेक्ट किया जा सके, लोकेट किया जा सके, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए। ओके, मूव ऑन करते हैं। पूछा गया है कौन सा जो है आपको टी में नहीं मिलता, चाय, वन ऑफ माय फेवरेट एक्चुअली आप कह सकते हैं खाने पीने में। ओके, तो देखिए आपका जो थीन है, कैफीन है और टैनिन है, ये तो मिलता ही है, मॉर्फिन नहीं मिलता भाई, शुक्र है। तो डी जो है इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मूव ऑन करते हैं। पूछा गया है हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है जी, वैज्ञानिक प्रबंधन का अगर जनक पूछा जाए तो वो कौन है, तो आपके F.W. टेलर, इसका डी आंसर हो जाएगा, जस्ट अ बेसिक फैक्ट। 62 क्वेश्चन पूछा गया है द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय, अगर भाई आपको ध्वनि की प्रबलता चेक करनी है तो आप कैसे करोगे। देखो अगर हम बात करें ना, जो फ्रिक्वेंसी है यानी कि जो आवृत्ति है वो ध्वनि की पिच को बताती है, लाउडनेस को नहीं बताती, पिच को बताती है। वहीं अगर वेलोसिटी वी की बात की जाए तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड वेव बताती है, ठीक है जी। और अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो एक साउंड वेव में जो दो आइडेंटिकल पॉइंट होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उनको जो है यहाँ पे वेवलेंथ बताता है। वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी और वेलोसिटी से रिलेटेड है बट इसका लाउडनेस से कोई जो है खास लेना देना नहीं है, करेक्ट है। ओके, उसके बाद बचा डायमेंशन। आया डायमेंशन तो एक जनरल सा टर्म हो गया, राइट, डायमेंशन क्या है आपका एक बहुत जनरल टर्म हो गया। एक्चुअली में इसमें सही आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, सही जो आंसर है वो होना चाहिए डेसिबल। क्या होना चाहिए, एक सही आंसर बेसिकली डेसिबल में होना चाहिए, तो ये आंसर प्लीज़ आप इसका जो है याद रख लीजिएगा, ठीक है जी। ओके, 63 क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। इसमें पूछा गया है फॉर साइटेडनेस द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द फॉलोइंग, राइट, अगर हम बेसिकली दूरदृष्टि दोष है तो उसका प्रतिबिंब किस पे बनता है, तो वो रेटिना के पीछे बनता है एक्चुअली, तो इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। तो इन फॉर साइटेडनेस द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, है ना, दैट शुड बी द राइट आंसर। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास, यस, इसमें पूछा गया है द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑफ्टन अ फैक्टर ऑफ, यानी कि अगर आप नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हो, है ना, तो किस तरह का पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर, थर्मल या नॉइस पॉल्यूशन। देखो यहाँ पे ना आपका जो ऊष्मीय प्रदूषण है, थर्मल पॉल्यूशन है, वो आंसर हो जाएगा। वाई, देखो जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हो, ठीक है, आपको क्या न्यूक्लियर एनर्जी बनानी है तो आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करोगे। न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में ना बहुत सारी एनर्जी बनती है, करेक्ट है, तो बहुत सारी एनर्जी बनती है, इस एनर्जी का आप क्या यूज करते हो, ये जो एनर्जी है इसका आप यूज करते हो हीट के लिए, और ये जो हीट है ये क्या करती है, जो वाटर है उसको दरअसल स्टीम में बदल देती है, भाप में बदल देती है। ये जो भाप है, स्टीम है, इससे फिर आप क्या करते हो, अपने जो टर्बाइन है उनको मूव करते हो। टर्बाइन को मूव करने से फिर आपका क्या, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे काम करता है। बट जब ये स्टीम आपका बन रहा है, जब ये भाप बन रही है, तो कुछ हीट क्या है आपकी लॉस्ट भी तो हो जाती है, 100% एफिशिएंसी तो कहीं पे भी नहीं होती। तो ये जो हीट लॉस हो रहा है ये आपका ऊष्मीय प्रदूषण, ये एक आपका क्या है, थर्मल पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड सी जो है इसका यहाँ पे एक सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसमें पूछा गया फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है जी। ये भाई लॉ किसने दिया था, अभी जब हमने रॉकेट के बारे में पढ़ा था तो मैंने इसका जिक्र किया था, तो ये क्या है, ये आपका न्यूटन का लॉ है, ठीक है जी। तो इसका जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ, तो ए हमारा जो है यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा, परफेक्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें फिर पूछा गया है कि विच फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज नॉट असेंशनल, यानी कि भाई ऐसा क्या है जिसके लिए आपको एक माध्यम की आवश्यकता नहीं है।
तो मैं एक बढ़िया सी इमेज जो है आपको इसके लिए दिखाती हूँ और बहुत मज़ेदार तरीके से देखेंगे। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, एक बर्तन के अंदर पानी रखकर उसको गर्म कर रहे हैं। चलो चाय ले लेते हैं एग्जांपल, थोड़ी खुशी हो जाएगी। ओके, तो देखो अगर आपने इस चाय को के बर्तन को जो रखा हुआ है गैस पे, तो ये वाला हिस्सा गर्म हो रहा है ना इसका, तो है ना। लेकिन अगर आप थोड़ी देर बाद हैंडल यहाँ से भी पकड़ते हो तो आपके हाथ को भी गर्म लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या हुआ है, यहाँ पे कंडक्शन हुआ है, चालन हुआ है, हीट क्या है यहाँ पर आपकी मूव कर पहुँच गई है। ठीक है जी, जब आपने इसको टच किया तो हीट यहाँ पे पहुँच गई। ओके, दूसरा क्या है, जो गर्म पानी है मान लीजिए वो हल्का होके ऊपर उठ रहा है और जो ठंडा पानी है वो नीचे जाके उसकी जगह ले रहा है। तो इस तरीके से एक मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देता है सर्कुलर। तो क्या है, ऑलमोस्ट पूरा पानी या पूरी चाय यहाँ पे गर्म हो जाएगी। ठीक है जी, एक और चीज़ आप देखोगे, अगर इस गैस के दूर से ही आप जो है हाथ यहाँ पर बेसिकली रखते हो, एक गंदी सी ड्राइंग बना देते हैं, ठीक है, दूर से अगर आप देखो तो आपको हीट फील होती है, आपने टच भी नहीं किया फिर भी हीट फील हो रही है। क्यों हो रही है? रेडिएशन की वजह से हो रही है। इसका बहुत शानदार एग्जांपल है सर्दियों में जब आप आग जला के हाथ सेकते हो तो दूर से ही जो है बेसिकली हीट फील होती है ना, ये रेडिएशन की वजह से होता है। तो आप देख रहे हो रेडिएशन के लिए किसी कॉन्टैक्ट की, किसी मीडियम की, किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। तो यही हमारा यहाँ पे क्या है, एक आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, आपका आंसर आना चाहिए रेडिएशन यानी कि विकिरण, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका यहाँ पे क्या है, ए आंसर हो जाएगा। परफेक्ट है, चलिए मूव ऑन करते हैं 67 क्वेश्चन की तरफ। बोला इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल पार्टिकल है। देखो फंडामेंटल पार्टिकल है आपके क्वार्क, बेसिकली आपके जो फिनॉन्स होते हैं, देन दे आर सर्टेन एक्चुअली थिंग्स जिनको हम अपने फंडामेंटल एक मॉडल जो बना रहे हैं उसका पार्ट मानते हैं। हालांकि हमारा वो खुद का मॉडल अभी पूरा नहीं है, हमें डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, इन सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज नहीं है। खैर, आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे याद रखना है वो क्वार्क याद रखना है, इससे ज़्यादा आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया स्टेनलेस स्टील जो है एक अलॉय है, तो आयरन के साथ किस चीज़ को आप मिक्स करके फिर ये बनाते हो। तो देखिए क्रोमियम को हम जो है मिक्स करते हैं आयरन के साथ और फिर हमारा जो है स्टेनलेस स्टील बनता है। तो यहाँ पे बी आपका जो है एक आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूछा गया था ऑर्डर साइज ऑफ द न्यूक्लियस, अगर हम नाभिक के आकार की बात करें, है ना, तो भाई वो कितना होता है। तो बेसिकली होगा आपका 10^-15 मीटर, राइट है जी। तो ये होगा, दरअसल देखा जाए तो आपको पता है जो एटम होता है उसके नाभिक में आपके क्या है, कुछ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में कुछ आपके क्या है न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, देन आप देखोगे तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप देखोगे ना तो जो न्यूक्लियस है ना वो बेसिकली कहीं ना कहीं एटम के साइज से 1,00,000 टाइम ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। खैर फैक्ट के रूप में याद रखना है, तो जो बेसिकली 1×10^-15 मीटर है इसको आप जो है याद रखने की कोशिश कर लीजिएगा। करेक्ट है, ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर टू द ग्लास। ठीक है जी, यानी कि ग्लास को जो डीप ब्लू कलर मिलता है वो कौन जो है यहाँ पे इम्पार्ट करता है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या आंसर होएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, भाई विषाणु वायरस जो होगा ना उससे होने वाली बीमारी नहीं है, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, टीबी की बीमारी, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये होती है। ओके, मूव ऑन करते हैं। फिर पूछा गया है 72 क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हाट आई मीन इज फॉर्म इन द स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, भाई प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन जो है बॉडी के अंदर बनता है। क्या कहते हैं डॉक्टर्स, धूप में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर क्या है विटामिन डी की कमी हो गई है। तो क्या आंसर होना चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए, आसान है ना। तो यस, बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, मूव ऑन करते हैं। पूछा गया है द डिवाइस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित जो आपकी एक युक्ति है वो क्या है, दैट इज डायनामो, राइट। तो ये आपका डायनामो हो जाएगा, इजी आंसर है। ठीक है, 74 क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। पूछा गया है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ टेम्परेचर डज नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू, यानी कि देखो टेम्परेचर को मापने के आपके स्केल होते हैं किसमें एक ऋणात्मक मान नहीं होता, ये आपका होता है केल्विन, ठीक है जी, ये आपका होता है केल्विन। देखो ये किस तरीके से काम करता है, अगर आप कहो सेल्सियस की बात करो तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, लेकिन जब आप फॉरेनहाइट की बात करोगे ना, वाटर दरअसल 32 डिग्री फॉरेनहाइट पर जो है फ्रीज होता है और 212 डिग्री फॉरेनहाइट पर क्या है बॉयल होता है। अगर आप केल्विन के टर्म्स में बात करोगे ना तो वाटर आपका जो है 273.15 केल्विन पे जो है फ्रीज होता है और 373.15 केल्विन पे जाके बॉयल होता है। तो इस तरीके से अलग अलग स्केल हैं जिनमें हम अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें रेशियो पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि देखो अगर काइनेटिक एनर्जी है दो ऑब्जेक्ट की जिन ऑब्जेक्ट का इक्वल मास है और उस काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो 4:9 है, तो इनकी वेलोसिटीज का क्या रेशियो होगा। अब देखो ये क्वेश्चन ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखो बेसिकली आप फॉर्मूला देखो, है ना, फॉर्मूला आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1/2 mv1 का स्क्वायर है एंड 1/2 mv2 का स्क्वायर है, v1 एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, v2 दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब यहाँ पे m क्या कहा गया है, दोनों का बराबर है, यानी कि मास दोनों का इक्वल है, क्रॉस हो जाएगा तो आपका ये बचेगा वेलोसिटी 1/2 का स्क्वायर, तो आपका 4:9 का रेशियो है, ठीक है जी। तो जब आप इसको यहाँ ले जाएंगे इसका रूट बन जाएगा तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, तो इनका रेशियो जो है आपका 2:3 होना चाहिए, राइट, ये होना चाहिए भाई, तो इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस तरह के न्यूमेरिक्स सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल कई बार हो जाता है अगर हमने उतनी डीप स्टडी नहीं की है, बट डोंट वरी अबाउट इट, बहुत रेयर चांस में इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। ओके, मूव ऑन करते हैं। 76 पूछा गया है कि कौन सा जो है एक हीट का यूनिट नहीं है, देखो उष्मा है ना, हीट और टेम्परेचर तापमान, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है जी। तो अगर आप देखोगे ना जो आपका कैलोरी है, जूल है और आपका अर्ग है, ये हीट के माप है, लेकिन जो सेंटीग्रेड है जिसको सेल्सियस के दूसरे नाम के रूप में भी जाना जाता है एक तरीके से, ये आपका टेम्परेचर का है, तो यहाँ पे ई ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कौन सा सब्सटेंस इनमें से आपका जो हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड मतलब शाकनाशी, जो आपके खेत में उस तरह के कुछ खरपतवार हो जाते हैं जो बेसिकली मतलब आपको नहीं चाहिए, तो उनको ख़त्म करने के लिए आप क्या हर्बिसाइड्स को यूज़ करते हैं, तो भाई इनमें से कौन सा जो है आपका ये है, ये है आपका ब्यूटाक्लोर, राइट, यानी कि डी जो है यहाँ पे आपका एक आंसर हो जाएगा। ओके, मूव ऑन करते हैं 78 क्वेश्चन पर। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स कैन नॉट बी बायोडिग्रेडेबल, भाई कौन से ऐसे पॉलीमर हैं जिनको जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। मैंने थोड़ी देर बाद पहले ही बताया कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, सेल्युलोज, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से आपके बायोडिग्रेडेबल सारी की सारी चीज़ें हैं, करेक्ट है, लेकिन पीवीसी पाइप देखा है कभी इनको बायोडिग्रेडेबल होते हुए, नहीं ना, तो यस पीवीसी जो है ये आपका एक सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पेयर सही मैच नहीं कर रहा है आपसे ये पूछा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें एक तरीके से आपको एक आपके क्या है मेटल्स वगैरह दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं उनके अयस्क दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, तो आप देखोगे कि जो यहाँ पे तांबा है यानी कि कॉपर है उसका सिनेबार से मैच क्या हुआ है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि तांबे का जो बेसिकली एक अयस्क है ना वो चेल्कोपायराइट और मेलाकाइट है, ना कि सिनेबार। एल्युमिनियम का बॉक्साइट है, इजी है, जिंक का आपका कैलामाइन हो गया, बिल्कुल ठीक है, आयरन का हेमेटाइट है, बढ़िया है, तो यहाँ पे बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। पूछा गया सी ग्रास का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो एक एलिमेंट है ना, कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ से मिलती है, उसके बारे में पूछा हुआ है। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, सी ग्रास की अगर हम बात करें ना, तो सी ग्रास ना जो आयोडीन का एक चक्र होता है, आयोडीन की जो साइकिल होती है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो सी ग्रास होते हैं
ये अपने आसपास से जो डिसॉल्व आयोडीन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना जो सेल्स हैं जिनके टिश्यूज हैं उसमें स्टोर कर लेते हैं। तो यही स्टोर आयोडीन बाद में सी ग्रास से आप जो है निकाल सकते हो। तो सी ग्रास के अंदर आपको क्लोरीन ब्रोमीन हल्का फुल्का देखने के लिए मिल जाएगा, बट आयोडीन सबसे ज्यादा मिलता है, तो ए इसका आंसर होगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया याद रखना, सी ग्रास करंट अफेयर में था तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? मैं सूर्य का प्रकाश के बिना होगा नहीं, वाटर के बिना होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए चाहिए, ऑक्सीजन की इतनी खास जरूरत नहीं है क्योंकि H2O क्या है, वाटर है, और इसमें O क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगी, अलग से उसकी जरूरत नहीं है। तो सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसलिए सी हो जाएगा, आई एम सॉरी बी हो जाएगा। ठीक है, ओके, मूव ऑन करते हैं। खैर ये चीज़ें आप खुद ही देख लिया कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा पेयर सही से मैच नहीं है, आपसे ये पूछा हुआ है। ठीक है जी, ओके, चलिए बताइए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका बेसिकली जो अमरबेल होता है वो एक क्या है, स्टेम पैरासाइट है, तना परजीवी है, ठीक बात है। चंदन की बात करें तो एक जड़ परजीवी है, रूट पैरासाइट है। ठीक है जी, आर्किड की बात करें तो ये अधिपादप है, एपिफाइट्स है। ठीक है, पिचर प्लांट की अगर हम बात करें, जो घटपर्णी होता है वो हाइड्रोफाइट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आपको ये जो पिचर प्लांट है ये वाटर वाली जगह पे मिल जाएंगे, बट हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो कम्प्लीटली वाटर में सबमर्ज रहते हैं, है ना, एक वाटर वाले जो पौधे होते हैं, घटपर्णी वो नहीं है। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है जी, स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है सही तरीके से यहाँ पे आपका मैच नहीं है। तो देखिए, विटामिन डी रिकेट्स, सही बात है, विटामिन सी ब्लीडिंग गम, ये भी ठीक है, इसके बाद विटामिन B1 बेरी बेरी, ठीक है, विटामिन ए गाउट, गठिया से रिलेटेड नहीं है। ठीक है जी, ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो सी जो है इसका आंसर एक यहाँ पर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है कि कौन सा फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है जी, ओके, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे कि जो आपका क्लोरीमाइसेटिन है, टाइफॉइड नासी है, ठीक है, फिर आपका क्रिस्टल वायलेट जो है पूतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक है, क्विनिन जो है एंटी मलेरियल है, एंटी मलेरियल जो है मेडिसिन है, ठीक है, एस्प्रिन एनेस्थेटिक नहीं है। देखो, देखा जाए तो आपका जो क्लोरीमाइसेटिन है वो टाइफॉइड जो फीवर हो जाता है उसमें यूज़ की जाती है, क्रिस्टल वायलेट जो है स्किन पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है वहाँ यूज़ किया जाता है, दिस इज़ एंटीसेप्टिक। आपका जो क्विनिन है, क्विनिन हिंदी में बोल देते हैं, मलेरिया के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एस्प्रिन आपका एनेस्थेटिक नहीं है क्योंकि एनेस्थेटिक होता है सेंसेशन को बंद कर देना, नंब कर देना, है ना, निश्चित तक बेहोश करने के लिए, सुन करने के लिए यूज़ करते हैं। एस्प्रिन तो एक सिंपल पेन किलर है, राइट, सर दर्द वगैरह में इसको काफ़ी लोग लेते थे। तो डी ही इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, मूव ऑन करते हैं। पूछा गया है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन वेटेड 70 kg अप्रॉक्सीमेटली। भाई, एक अडल्ट के अंदर जो है बेसिकली जिसका 70 kg अगर वजन है ना, तो उसके ब्लड के अंदर चीज़ें पूछी हुई है, तो आपका 5000 जो है ml ये हो जाएगा। ठीक है, बी इसका आंसर है, सिंपल सा, याद कर लीजिएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन इंटू एमिनो एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। तो पेप्सिन जो आपका एंजाइम है ना, वो प्रोटीन्स को जो है एमिनो एसिड में तोड़ देता है। ए आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव ऑन करते हैं, पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है जी, रिगार्डिंग आपका बैक्टीरियोफेज, तो यानी कि यहाँ पे पूछा गया है, बैक्टीरियोफेज आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। क्या कह रहा है कि भाई, एक तरीके से ये इस तरह के वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और बैक्टीरियोफेज आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग पर कभी यूज करते हैं, ये दोनों ही बातें ठीक है। ठीक है, तो इनको आपने क्या है ध्यान रखना है, सी इसका जो है यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा, यानी कि जीवाणु भोजी
ऐसे विषाणु हैं जो बैक्टीरिया को ही भाई क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। और जब आप अनुवांशिक अभियांत्री जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हो, जीन्स वगैरह में कुछ चेंज वगैरह कर रहे हो बहुत मोटे तौर पे, तो इस तरह की चीज़ों को जो है साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं। ओके ठीक है, मूव ऑन करते हैं। स्काई आपको नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों है, है ना जी? तो बड़ा आंसर इसका आसान सा, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज मैक्सिमम, क्योंकि जो नीली लाइट है उसका सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है ना, स्कैटरिंग उसकी जो है सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसका ए आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ क्रॉप है, स्पीसीज है आपको जो है फिर से इनके बारे में मैच करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखोगे मस्टर्ड वरुणा, ठीक है, पिया सपना, ओके, लाइन सीड सूर्य, और पीनट आपका बेसिकली कसोल, राइट? तो आप या फिर कोसल कह लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट मैच है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए कौन सा है। तो बेसिकली यहाँ पे ना जो पिया मटर है उसकी कोई ऐसी सपना जैसी प्रजाति नहीं दिखाई देती है, तो इसका जो राइट आंसर मेरे हिसाब से वो बी होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ठीक से मैच नहीं हुआ है। तो रस्ट एक डिजीज है जो वीट में पाई जाती है, ओके, फिर कह रहा है बेसिकली अर्ली ब्लाइट इज अ डिजीज फाउंड इन पोटैटोज, ओके, फिर कह रहा है फॉल्स सोमट इज अ डिजीज फाउंड इन अ बार्ले, और खैरा इज अ डिजीज फाउंड इन पैडी, यानी कि गेरे गेहूं में पाया जाता है, अगेती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, और झूठकंड फॉस्मिट जो में पाया जाने वाला रोग है, और खैरा जो है आपका धान में पाया जाने वाला रोग है, आपको जो है इसमें से बताना है। तो जो सी इसने बोला ना फॉस्मिट, ये बालने में नहीं, एक्चुअली ये एक फंगल डिजीज है जो ज़्यादातर मेज यानी कि मक्का कॉर्न में आपको देखने को मिलता है, तो इसका सी आंसर होना चाहिए। ठीक है जी, ओके, मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे जो आपका लाइफ आई होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है लाइफ आई के बारे में, ओके, तो लाइफ आई का मतलब होता है लाइट फिडेलिटी, बिल्कुल ठीक बात है, लाइफ आई का विस्तृत रूप है तो वो लाइट फिडेलिटी है। दरअसल ये इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि जो हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना, वो जैसे वाईफाई से मिलती है, जैसे लैंड नेटवर्क से मिलती है, यहाँ पे हम लाइट के थ्रू इंटरनेट की कनेक्टिविटी देंगे, यानी कि जो जो सिस्टम उस लाइट के अंदर आ रहे होंगे उन सबको एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल जाएगी, ओके। फिर ये कह रहे हैं सक्सेसफुल ट्रायल जो है हुआ था इंडिया के अंदर 2018 में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने किया था, ये भी बात ठीक है। ये कह रहा है कि लाइफ आई जो है करीब 10 GB/s डाटा 1 किलोमीटर तक की रेडियस में भेज सकता है, ये भी ठीक है। फिर ये कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्यों भाई यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल की जरूरत क्यों है जब हम लाइट को लेके काम कर रहे हैं? एक बल्ब लगा दिया, क्या उसके लिए किसी वायर की जरूरत है आपके रूम को लाइट करने के लिए? नो, तो सेम इसके लिए इस तरह का कोई सिस्टम नहीं चाहिए, डी ही जो है इसका आंसर है जो करेक्ट नहीं है, करेक्ट, ओके। मूव ऑन टू 93 क्वेश्चन। पूछा गया है मोस्ट अबंडेंट गैस एटमॉस्फेयर में कौन सी है, बहुत आसान क्वेश्चन, नाइट्रोजन, ठीक है जी, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा है कि कौन सा जो एक ट्रांजिस्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो जर्मेनियम जो है ना वो एक ट्रांजिस्टर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इसको आपने क्या है यहाँ पे याद रखना है, ठीक है जी, बी इसका आंसर हो जाएगा, ओके। मूव ऑन करते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दिया है, एक उसका रीज़न दिया है, कह रहा है हल्के रंग के कपड़े हम गर्मियों में प्रेफर करते हैं, यस, अभी हमने पढ़ा। फिर कह रहा है लाइट कलर के कपड़े हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी करेक्ट, एंड ये रीज़न भी सही है कि हम गर्मियों में फिर हल्के रंग के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, तो ए इसका आंसर होना चाहिए कि ए और आर दोनों सही हैं, और स्पष्टीकरण भी यहाँ पे ठीक है ना, ओके। फिर कौन सा करेक्टली मैस्ट है आपसे ये पूछा गया है, ठीक है जी, तो आप देखोगे कि जो आपका बेसिकली एक थर्मिस्टर है ना वो एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है, ये आपका जो है यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हो जाएगा, अब बाकी नहीं, तो इसका आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। फिर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव, भाई अगर विस्फोटक आप बना रहे हो तो किस चीज़ का यूज़ करोगे, तो ग्लिसरॉल जो है ना इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं। 98 क्वेश्चन। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस, अगर आप भाई दिया सलाई जो है उसका निर्माण कर रहे हो
तो उसमें क्या यूज करते हो? रेड फॉस्फोरस, ठीक है जी, लाल फॉस्फोरस उसमें हम यूज करते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैस्ड नहीं है, ठीक है जी. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे यीस्ट फर्मेंटेशन से रिलेटेड है, ठीक है, कैसिन मिल्क प्रोटीन है, ठीक है, एलोवेरा एक एंजियोस्पर्म है, ठीक है, पिचर प्लांट एक पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है, अगेन गलत है. घट पढ़ने की अगर हम बात करें तो देखो, यस, इस जो ये पिचर प्लांट है ना, ये न्यूट्रिशन जो है बेसिकली लेता है, जो अगर आप देखोगे होस्ट प्लांट के पत्तियों से, लेकिन कम्प्लीटली ये न्यूट्रिशन के लिए होस्ट प्लांट पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है जी. पैरासाइट वो होते हैं जो अपने खाने पीने के लिए पूरे तरीके से होस्ट प्लांट पर डिपेंड करते हैं. पिचर प्लांट को चाहिए न्यूट्रिशन एक होस्ट प्लांट से, बट कम्प्लीटली उस पर डिपेंड नहीं करता है. एक अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है इसके पास, होस्टोरिया, जिससे ये होस्ट के वस्कुलर सिस्टम के अंदर टैप कर लेता है, वहाँ से वाटर वगैरह फिर ये लेते रहता है, ठीक है. तो ये घटपर्णी पिचर प्लांट के बारे में ना क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, ध्यान रखना डीज का आंसर यहाँ पे हो जाएगा. ओके, देन देखो फिर से क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो आपका बेसिकली अमरबेल होता है कैस्कुटा, वो एक पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है, ठीक है जी. ओके, फिर ये कह रहा है कि बेसिकली यहाँ पे कि ये जो पौधे की पत्तियों से अपना एक पोषण प्राप्त करता है, ठीक है, पौधों की पत्तियों से अपना एक पोषण प्राप्त करता है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे इसका जो कथन और कारण का अगर हम आंसर देखें तो ए ठीक है, लेकिन आर इनकरेक्ट है, क्योंकि अमरबेल की अगर हम बात करें, है ना, अमरबेल की हम बात करें तो यस, ये एक पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है, यानी कि ये एक होस्ट प्लांट होता है, उसी से सारी चीज़ें लेता है, कम्प्लीटली एक होस्ट प्लांट पे डिपेंड करता है. लेकिन ये जो न्यूट्रिशन है वो होस्ट प्लांट की लीव से नहीं लेता, इसके पास एक अलग तरीके का जो है स्ट्रक्चर होता है, और वहाँ से बेसिकली क्या है, ये उन सारी चीज़ों को जो है एक्सट्रैक्ट करता है, लीव से नहीं लेता, ये वस्कुलर जो सिस्टम है ना वहाँ से लेता है, ठीक है. तो हो सकता है इन दो क्वेश्चन में ना चीज़ें आपको थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हो, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ. सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की, क्योंकि दो क्वेश्चन जो है यहाँ पे थोड़े से मैच हुए हैं, मैं उनको करेक्ट कर देती हूँ. देखो ध्यान से सुनो, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? यीस्ट फर्मेंटेशन, कैसिन मिल्क प्रोटीन, एलोवेरा एंजियोस्पर्म, ठीक बात है. पिचर प्लांट एक पैरासिटिक एंजियोस्पर्म यहाँ पे लिखा है, मैंने बताया कि नहीं, पिचर प्लांट पूरा का पूरा एक पैरासिटिक आप कह सकते हैं प्लांट नहीं है, ये कम्प्लीटली होस्ट पर डिपेंड नहीं करता, बस इतना याद रखो, ठीक है. ओके, तो इसका डी आंसर हो जाएगा. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की, इसमें बात की गई है अमरबेल के बारे में, ठीक है, अमरबेल के बारे में, और यानी कि जो आपका कैस्कुटा होता है, ये कह रहा है कि एक पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है, बिल्कुल है, जो भी एक दूसरे होस्ट प्लांट पे कम्प्लीटली अपने खाने पीने के लिए डिपेंड करेगा वो एक पैरासाइट होता है, ठीक है. एक क्या है वो, बेसिकली आपका परजीवी होता है. दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये जो न्यूट्रिशन वगैरह उस अपने होस्ट से लेता है वो पत्तियों से लेता है, तो वो जो अभी हमारी एक्सप्लेनेशन मिसमैच हुई थी उसको यहाँ करेक्ट करते हैं. देखो, ये न्यूट्रिशन तो लेता है लेकिन डायरेक्टली पत्तियों से नहीं लेता, ठीक है, डायरेक्टली पत्तियों से नहीं लेता, वस्कुलर सिस्टम से लेता है, तो इसके बारे में ये वाले डिटेल यहाँ पे ठीक हो जाएगी, इसको ध्यान रखना, है ना. तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा ए ठीक है, लेकिन जो आर है वो आपका ठीक नहीं है. ओके, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं. करनाल ब्रंट इज द डिजीज ऑफ, करनाल जो ब्रंट है भाई वो किस चीज़ की बीमारी है, तो आपकी क्या है, वीट की एक बीमारी है, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, ठीक. ओके, क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं. इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश द पैटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड, अगर किसी बच्चे के बेसिकली एक पैरेंटल झगड़े का निपटारा करना है कि भाई असली माता पिता कौन है, तो कैसे चलेगा पता, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो बेसिकली डीएनए की कॉपीज़ हैं कहीं ना कहीं हमारे मदर फादर से मिली होती है हमें. ओके, 103 क्वेश्चन करेक्टली मैच नहीं है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया. ऑटोइम्यून डिजीज़ बेसिकली आपका रिमेनॉइड आर्थराइटिस, ठीक बात है. ट्यूबरक्लोसिस एक जेनेटिक डिसीज़, गलत बात है. ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है,
एक्जिमा डिजीज, इरिटेशन, यस एक्जिमा स्किन से रिलेटेड एक आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है जो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मेंटल इलनेस की बात करें तो आपका स्किज़ोफ्रेनिया, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ओके तो याद रखिएगा इसका बी आंसर है। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीरो टिल सीड ऑफ फर्टिलाइजर ड्रिल ये किसने डेवलप किया था, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो जो जे बी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी या पंतनगर के अंदर उन्होंने जो है इसको डेवलप किया था, बी इसका आंसर एक हो जाएगा। ओके मूव ऑन करते हैं 105 क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट मॉस्किटो के बारे में जो है सही है। कह रहा है ओनली मेल सक करते हैं ब्लड को, नहीं भाई जो फीमेल होती हैं वो करती हैं, ठीक है। ओके फिर इसमें बता गया है कि बेसिकली फीमेल सक द सैप ऑफ प्लांट, तो नहीं दरअसल सिर्फ सैप नहीं, जूसेस वगैरह और भी चीज़ें होती हैं उनको भी ये बेसिकली सैप कर लेती हैं, ठीक है, सक कर लेती हैं। फिर मेल हैज़ द बिगर विंग्स देन द फीमेल, दिस इज़ अगेन रॉन्ग क्योंकि फीमेल के ज़्यादा बड़े विंग्स यहाँ पर होते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 और 5 जो है ना आपका केवल यही सही है, ठीक है। ओके डी आंसर हो जाएगा। 106 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पे देखो आपका प्रेजेंट इन बोन्स क्या होता है, आपका कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपका बेसिकली एसिटिक एसिड, ठीक है। सॉरिंग ऑफ मिल्क लैक्टिक एसिड, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इथिलीन, तो यहाँ पे डी जो है इसका एक आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सही मैच नहीं है वो आपसे पूछा गया है, तो सही मैच नहीं है भाई वो बता दीजिए आप। तो यहाँ पे आप देखोगे कि विटामिन ए रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक बात है। विटामिन B3 पेलग्रा, ये भी ठीक है। विटामिन डी वर्डान बेसिकली क्लर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है, नहीं है ना। और फॉलिक एसिड एनीमिया, है ना, रक्त की जो एक तरीके से अल्पता हो जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली जो कलर ब्लाइंडनेस है वो विटामिन डी से एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ओके मूव ऑन करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ की जाती है कौन सी फसल का यील्ड बढ़ाने के लिए, भाई कौन सी ऐसी फसल है जिसकी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हो, और जो नीले हरित शैवाल हैं उनको फिर आप एक जैव उर्वरक के रूप में यूज़ करते हो, तो कौन सी ये फसल है आपको पता होना चाहिए, पैडी यानी कि आपके धान, बी आंसर हो जाएगा। ओके 109 की बात करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो बर्ड फ्लू होता है, ठीक है जी, उसका कौन सा कारक है, तो ये तो याद होगा ना H5N1, H5N1 एक पॉजिटिव एजेंट है बर्ड फ्लू का, तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बड़े आराम से ए। ओके फिर पूछा गया है यहाँ पे आपसे कि बेसिकली ग्रीन फ्यूल जो है इसका सोर्स कौन सा है, हरित ईंधन की अगर हम सोर्स की बात करें, है ना जी, तो जो करंज है ना वो ग्रीन फ्यूल का एक सोर्स है, इसको ध्यान रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। देखो 111 यानी कि 111वें सवाल पे आ चुके हैं, 209 तो थे, यानी कि 100 से भी कम क्वेश्चंस रह गए, फटाफट उनको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। द कलर विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम इज, तो हमने देखा था ना अपना विबग्योर वाला, तो सबसे कम वेवलेंथ इसकी होती है पर्पल कलर वाला होगा, तो इसका जो है आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके फिर पूछा है कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। देखो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई एक तरीके से आपका जो डायरेक्शन है ना, और जो बेसिकली स्पीड के साथ साथ या फिर जो एक तरीके से चेंज हो रहा है और किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है इसको आप देखते हो, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है ना, ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि एक वेटलेस बैलून को अगर आप 200 ग्राम वाटर से फिल कर देते हैं तो जो वाटर का वेट होगा वो कितना होगा, है ना। ओके देखो इसमें क्या होता है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है ना, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, वो यहाँ पे काम आता है। वो ये कहता है जब कुछ भी चीज़ पानी के अंदर होती है ना तो पानी को अपने रास्ते से हटाती है और पानी भी वापस से धक्का लगाता है, इससे क्या है कहीं ना कहीं चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देती है।
तो पानी में गुब्बारे के अंदर जितना वाटर आपने भरा हुआ है उतना ही वो हटा रहा है और उतना ही उस पर धक्का भी लग रहा है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस आउट करता है, तो ये जीरो हो जाता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि पानी में चीज़ें आपको हल्की फील होती है, लाइटर फील होती हैं। ठीक है, तो आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा एक माइक्रो एलिमेंट नहीं है? ठीक है जी, तो आपका जो है बेसिकली सल्फर, सल्फर एक माइक्रो एलिमेंट नहीं है बल्कि वो एक मैक्रो एलिमेंट है। ठीक है, वो एक सूक्ष्म तत्व नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, बोल रहा है कि आपको कौन सा सही मैच नहीं है ये बताना है। ओके, कौन सा आपका सही मैच नहीं है वो बताना है। तो वॉशिंग सोडा पोटेशियम नहीं, गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका वॉशिंग सोडा जो है उसमें सोडियम कंटेन करता है ये, ना कि पोटेशियम। ठीक है, बाकी ये आपके तीनों क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो दीज का आंसर एक हो जाएगा। ओके, 116वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स? ठीक है जी, फसलों को पकाने में क्या बढ़ावा देता है? तो इथिलीन। ठीक है, इथिलीन ये इंपॉर्टेंट है, डी इसका आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं, 117 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि कौन सा विटामिन जो है ह्यूमन की बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो विटामिन जो आपका बेसिकली यहाँ पे सी है वो एक क्या है, वाटर सोल्युबल विटामिन है। ठीक है, विटामिन बोल दीजिए, इसलिए ये क्या है, ह्यूमन की बॉडी में स्टोर नहीं होता है। ठीक, ओके, फिर अगेन आपका विटामिन पे ही क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट होता है। ठीक है जी, बताइए जल्दी से कौन सा होता है, तो ये आपका होगा विटामिन B12। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं। गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? देखो, गोल्डन राइस ना कहीं एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस है। हमने क्या किया, हमने जो चावल है उसके जीन में कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, और इसकी वजह से जो चावल का कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन सा दिखता है, और क्योंकि हमने इसमें चेंज किया है तो उसका कोई रीज़न होगा। उसका रीज़न ये, हमने इसका जो न्यूट्रिशन क्वांटिटी है, जो इसकी एक पोषक तत्व की मात्रा है, वो बढ़ा दी। तो सबसे ज़्यादा इसमें मिलता है आपका विटामिन ए। ठीक है, बस याद कर लो, विटामिन ए जो है आपको इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ऑप्शन नंबर ए भी आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन एक्चुअली ये प्रोड्यूस करता है, जो कि एक विटामिन ए का क्या है, प्रिकर्सर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। ओपियम यानी कि जो अफीम है वो कहाँ से मिलता है? तो भाई, जो लेटस होता है ना, अनराइप फ्रूट का, ठीक है जी, यानी कि जो बिना पके हुए फल का एक लेटस होता है, वहाँ से आपको मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, 121 क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस में भाई सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या है? तो अगर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की हम बात करें, तो देखो, रेड और ब्लू ये जो दोनों हैं बेसिकली, ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, और ये जो है अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, उससे फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखो, रेड ब्लू दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो अगर इनमें से भी कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो है आपका रेड, लाल रंग। ठीक है, इसको याद रख लेना, और अगर रेड और ब्लू दोनों दिए हों तो दोनों आंसर हो जाएगा एक साथ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। कौन सी गैस जो है, जो एयरप्लेन के टायर्स होते हैं उसको इन्फ्लेट करने के लिए, यानी कि जो हवाई जहाज के टायर उनको चौड़ा करने के लिए यूज़ की जाती है, वो है नाइट्रोजन। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन के बारे में आज हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, बाय द वे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो कथन और कारण पर है, इसके बारे में देख लेते हैं। पहला कह रहा है, ब्राइट लाइट इज अनडिजायरेबल एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, भाई सोते टाइम तेज प्रकाश नहीं चाहिए होता है। सही बात है ना। फिर कह रहा है, जो बेसिकली आपका मेलाटोनिन होता है उसका ब्राइट लाइट में हाई प्रोडक्शन होता है। नो, मेलाटोनिन एक आप कह सकते हैं, जब हम सोते हैं उस टाइम हमारे बॉडी में रिलीज होता है, और हमारे बॉडी में जितनी भी टूट फूट होती है ये उसकी मरम्मत करता है, राइट? और इसकी वजह से हमारे बॉडी में अगर कहीं पे कोई बीमारी है, कहीं पे कोई टिश्यू वगैरह को रिपेयर करना है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। बट मेलाटोनिन सबसे अच्छे तरीके से अंधेरे में, जब हम एक सुकून भरी नींद ले रहे होते हैं, तब रिलीज होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट है गलत, इसीलिए कहा जाता है कि रात की नींद, अंधेरे में जब आप सोते हो, एक पीसफुल स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो, इसीलिए कहा जाता है देर रात को जो है पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप उस टाइम पर सोते हो,
स्ट्रेस फ्री जब स्लीप आती है तो आपका माइंड और बॉडी रिपेयर होते हैं, है ना, कुछ साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। तो नींद लेना बहुत ज़रूरी है पहली बात, और कोशिश कीजिए कि रात में आप लोग सो जाया कीजिए और दिन में जो है पढ़ाई किया कीजिए, ओके। और अगर मान लीजिए ऐसा पॉसिबल नहीं है तब भी आप जो है नींद कम से कम पूरी लें। तो यहाँ पे ई हमारा ठीक है बट आर हमारा गलत है, तो इसका जो है बेसिकली आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए ट्रू बट आर फॉल्स सी हो जाएगा, करेक्ट है, ओके। फिर यहाँ पे पूछा है कि रेड इंक किस चीज़ से आपकी जो है बनती है, तो बताइए भाई रेड इंक किस से आपकी बनती है। ओके, एक एक देखते हैं। पहली बात है फिनोल। फिनोल तो आपको पता है डिसइनफेक्ट है, एक एंटीसेप्टिक है, उसका इंक से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद एनिलीन की बात करें, एनिलीन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे अलग अलग तरह की डाई बनती है, कुछ केमिकल बनते हैं बट रेड इंक नहीं बनाते इससे। फिर कोंगो रेड की बात करें, कोंगो रेड भी एक डाई है बट इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन होता है, जनरली इसको रेड इंक में यूज़ नहीं करते। एंड देन आपका आता है बेसिकली एक तरीके से ईओसीन, ईओसीन से आपकी लाल स्याही बनाई जाती है, यही आंसर हो जाएगा, ओके। 125th, उस कंपाउंड का नेम बताइए जो भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड है, सबको पता है भाई मिथाइल आइसोनीट। अच्छा, अगर आपने रेलवे मैन चेक वेब सीरीज इसी ट्रेजेडी पे आई है, अगर अभी तक नहीं देखी है प्लीज़ देख लेना, एग्जाम के बाद देख लेना, अभी नहीं मतलब जब भी आप फ्री हो, बहुत अच्छी वेब सीरीज है और मतलब आपको इस ट्रेजेडी के बारे में काफ़ी कुछ जानने समझने के लिए उसमें मिल जाएगा, ओके। चलिए मूव ऑन करते हैं 126 क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया वो केमिकल सब्सटेंस जिसको फोटोग्राफी में एक स्टेबलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है, यानी कि फोटोग्राफी को स्थिर करने के लिए जो आप यूज़ करते हो, उस रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है। तो ये बेसिकली आपका है सोडियम थायोसल्फेट, राइट। तो ए जो है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट should not be used daily as edible salt। भाई रोजाना आपको जो है एक खाने वाले नमक के रूप में कौन से सॉल्ट को नहीं यूज़ करना चाहिए, वो आपका सी सॉल्ट होता है, ठीक है। आप आयोडीन वाला यूज़ करो, सेंथा यूज़ कर लो, नॉर्मल जो टेबल सॉल्ट होता है उसका यूज़ कर लो, बट जो सी सॉल्ट है ना उसको रोज़ रोज़ रेगुलरली नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ओके। 128 की बात करते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट जो बोन है ना वो कहाँ पर मिलती है। तो भाई ये आपके बेसिकली क्या है, स्टपीज है, और इस ये जो कान के अंदर लोकेट रहती है सबसे छोटी हड्डी जो है ह्यूमन बॉडी की है ये, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज अ सपोर्टिव डाइट्री फैक्टर, एक सहायक आहार कारक किसको कहा जाता है। तो वाइटामिन्स जो है ना उनको कहा जाता है कि भाई एक डाइट को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, तो वाइटामिन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो डी हो जाएगा। आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है ना, आपका जो फैट है ये सब आप अच्छे तरीके से ले रहे हो, उसके बावजूद आपको वाइटामिन्स के लिए भी जो है अलग से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ओके। मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, इसमें बोला गया है बेसिकली कि जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फूड का वो भाई क्या होता है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, बट नो, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है, तो ठीक है। इसके बाद 131 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इन प्रेजेंट इन द ह्यूमन हेयर एंड नेल, मैंने बताया था इस क्लास की एकदम शुरुआत में, आपका कैरेटिन, ठीक है, कैरेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हेल्दी हेयर और आपको नेल्स चाहिए तो, ओके। फिर आपका क्वेश्चन है कि देखो जो काऊ का मिल्क होता है उसमें एक येल्लो वाइट कलर आता है, तो किस चीज़ की प्रेजेंस से ये बेसिकली आता है ना। तो ये पीला सा जो रंग आता है ना गाय के दूध में, ये आता है बेसिकली कैसीन और कैरोटीन की वजह से, तो कैसीन और कैरोटीन की वजह से आता है, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, ओके। 133 फिर से कथन कारण वाला क्वेश्चन है। बोला कॉपर रोड्स जो है ज़्यादा प्रिफर की जाती हैं आयरन रोड के बजाय अगर आपको लाइटनिंग कंडक्टर बनाने हैं, तो अगर तड़ित चालक बनाने हैं तो लोहे की बजाय कॉपर की छड़ हम ज़्यादा यूज़ करना प्रिफर करते हैं, ऐसा क्यों। ये कह रहा है पहली बात तो कॉपर बेटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और साथ ही जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता, एक तो कंडक्टर अच्छा है ऊपर से जल्दी से ऑक्सीकृत नहीं हो जाता, ठीक बात है बिल्कुल,
है ना। ओके, और बेसिकली कोपर रोड हम प्रेफर करते हैं, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। तो कथन क्या है, कथन कह रहा है कि भाई हम लोहे के बजाय तांबे के तड़ित चालक जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉपर जो है एक तरीके से क्या है, ज़्यादा सुचालक है विद्युत का और ऑक्सीकृत भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। तो कथन और कारण दोनों ठीक है, और कारण कथन को एक्सप्लेन भी करता है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ओके, मूव ऑन करते हैं 134 क्वेश्चन को। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ जेट इंजन वर्क। ठीक है जी, फिर से जेट इंजन की बात यहाँ पे आ गई है। तो आपका बेसिकली यहाँ पे जो आएगा, यह आएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि रैखिक संवेग संरक्षण। देखो मैंने आपको बताया था ना, जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर आपका जो एक है ना, मैं फिर से बताती हूँ। जो आपका बेसिकली लूनर मोमेंटम का जो एक कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है, ये कहता है कि जो भी फोर्स जो हॉट गैसेस की तरफ से एग्जर्ट की जाती है पीछे की तरफ, आपने देखा होगा जब भी वीडियोस वगैरह देखे होंगे कि पीछे की तरफ बहुत सारी गैसेस एक थ्रस्ट जो है देती है, तो उतना ही एक इक्वल क्या है उसको पुश फॉरवर्ड आगे की तरफ करता है। थोड़ी देर पहले भी समझाया था मैंने, है ना। तो ये जो आपका लीनियर बेसिकली एक मोमेंटम है ना, ये जो है आपका एक प्रिंसिपल पे जेट इंजन वर्क करता है। ओके, थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हुई है, बट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। थ्रस्ट बहुत ज़रूरी होती है एक्चुअली, क्योंकि देखो जो हमारा अर्थ का, ये हमारी मान लीजिए अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है, तो इस एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के अगर आपको ऊपर जाना है ना, तो जो अर्थ का ग्रेविटी है इससे आपको बाहर निकलना होगा, यानी कि इतना धक्का एक थ्रस्ट लगना चाहिए कि आप इस ग्रेविटी को पार कर जाओ, एंड देन फिर जो है इस एटमॉस्फेयर को आप जो है एक तरीके से पार कर जाओ, करेक्ट है। तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए ये एक थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। वेल, अगर सिर्फ आंसर आंसर याद करने की बात की जाए, इतना डीप डिटेल में नहीं जाना है, तो ए इसका आंसर है। ओके, आई होप समझ में आ गया है, कोशिश तो की है मैंने। वेल, 135th जो है क्वेश्चन, उसकी तरफ चलते हैं। लिस्ट मैच करनी है आपको, है ना, और यहाँ पे देखते हैं लिस्ट मैच हमारी, जो हमारा एसीटोन है, ठीक है जी, उसकी बात करते हैं। तो एसीटोन आपका क्या है, एक रेफ्रिजरेंट है, यानी कि एसीटोन आपका प्रशीतक है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड रिमूवर, ये क्या है, एक वाउंड ड्रेसिंग है, घावों की मरहम पट्टी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें, दिस इज नील पॉलिश रिमूवर, ठीक है। और लिक्विड अमोनिया की बात करें तो फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि अग्निशामक है, ठीक है जी। तो आपका 4-3, 4-3 एंड देन आपका 2 और 1, ये आंसर होना चाहिए, राइट, प्लीज़ याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला गया है कि बेसिकली टू मेकअप फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, इंसेक्टिवायरस प्लांट कैच एंड फीड ऑन इंसेक्ट। भाई कौन से तत्व की कमी जो है बेसिकली कुछ पौधों में हो जाती है, फिर वो जो पौधे हैं उस कमी को पूरा करने के लिए जो कीट बख्शी है ना बेसिकली होते हैं, जो कीट बख्शी पौधे हैं वो कीटों को पकड़ते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये है नाइट्रोजन। दरअसल ये पौधे ऐसे होते हैं कि नाइट्रोजन की इनके अंदर डेफिशिएंसी रहती है, और उसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, उन पर फीड करते हैं, इसीलिए इनको कीट बख्शी पौधे या जो इंसेक्टोवायरस प्लांट है वो कहते हैं। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था ना, पौधों की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके, द प्रोसेस बाई विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड। भाई वो क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ऑटोट्रॉफ स्वपोषी, यानी कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना पोषण खुद करते हैं, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई हमारी कोशिका की पावर हाउस कौन है, माइटोकांड्रिया, ये तो आसान है, हमारे सेल का एनर्जी हाउस इसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पोटैटो इज एडिबल। आलू हम खाते हैं,
तो वो जो पार्ट है बेसिकली वो क्या है आपको ये बताना है। तो वो स्टेम तना होता है, यस, उसकी जो रूट्स है ना वो तो बहुत बारीक बारीक होती हैं। जो ये आप आलू खाते हो, दिस इज स्टेम तना, ओके। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा मसल्स फटीग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आपकी मसल्स में ना क्या अगर बहुत इकट्ठा हो जाए तो बहुत थकान एक तरीके से होने लगती है, मतलब आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है वो, दैट इज़ लैक्टिक एसिड, ठीक है जी। लैक्टिक अम्ल जो है इसका आंसर हो जाएगा, ओके। मूव ऑन करते हैं, इसमें पूछा है कि टर्शियरी एंटीजन DPT इज गिवन टू चिल्ड्रन टू प्रिवेंट, भाई एक जो तृतीय प्रतिजन DPT है, एक जो बच्चों को दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है। देखो, इम्यूनाइजेशन किया जाता है बच्चों का तीन चीज़ों के खिलाफ, एक होता है आपका डिप्थीरिया, एक पर्ट्यूसिस जिसको वूफिंग कफ भी बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है आपका टिटनस। इन तीनों से बचाव के लिए जो है ये बच्चों को दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या है आपका, सी हो जाएगा, ठीक है, ओके। आई थिंक इसका आंसर क्या है, डी हो जाएगा, हाँ हाँ, यस, डी ही मार्क किया था, बोलने में गड़बड़ हुई है उतना, खैर आप लोग चेक कर लिया कीजिए प्लीज़, ओके। 142 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी, भाई सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो आपको कहाँ से मिलती है, मैंने बताया था फैट, फैट से एक इंस्टेंट और अधिकतम ऊर्जा आपको जो है अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस में मिल जाती है, इसलिए जब हम कुछ फैट वाली चीज़ें खाते हैं तो हमें एकदम से एनर्जी फील होती है, ओके। जंक फूड तो वैसे भी सब लोग इतना खाते हैं। वेल, 143 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाई द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, यानी कि जो आज के जीवाणु हैं उनके द्वारा क्या संश्लेषित होता है, विटामिन B6। तो बैक्टीरिया जो है आपके बहुत ही अच्छे होते हैं, ओके ओके ओके। विटामिन B12, मतलब मार्क ठीक किया है, बोलने में गड़बड़ हुई है, ध्यान रखिएगा विटामिन B12, ओके ओके, चलिए। सो ये बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है आपका बेसिकली जो जॉन सॉल्क है वो किन की डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं, तो जॉन सॉल्क ने जो है पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन रिमेम्बरिंग अ ड्रीम फॉर अ सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप लंबे टाइम तक अपने ड्रीम्स को याद रख पाते हो कि पता है यार मैंने ना ये दिखा था, पता है मेरे सपने में ना मैं SDM बन गया था या बन गई थी, राइट। तो वो जो याद रखने में हेल्प रखने वाला विटामिन है वो कौन सा होता है, दिस इज विटामिन B6, ठीक है, ये आपका विटामिन B6 है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट अ कमर्शियल सोर्स, है ना, कमर्शियल सोर्स मतलब क्या, जो सोर्स ऑफ एनर्जी आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो पेट्रोलियम हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, नेचुरल गैस, आपने देखा ना आप इनको परचेज करते हो, इनके लिए पेमेंट करते हो, बट बायोगैस की अगर बात करें तो कमर्शियल नहीं है। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स के जरिए जो बायोगैस है वो किसानों ने अपने खेतों में अपने घरों में ही काफ़ी बना लिया है, है ना, अभी उतना कमर्शलाइजेशन इस बायोगैस का नहीं हुआ है, तो डी जो है इसका बेसिकली आंसर हो जाएगा, करेक्ट है, ओके। मूव ऑन करते हैं, LPG में मेनली क्या होता है आपको ये बताना है, तो भाई LPG में बताइए सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो आपका ब्यूटेन और जो प्रोपेन है ये सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे ब्यूटेन आंसर हो जाएगा, राइट, ओके। देन 1 नैनोमीटर कितना होता है भाई ये बता दीजिए, तो आपका जो 1 नैनोमीटर है वो 10^-9, ठीक है जी, तो ये आपने जो है ध्यान रखना है, ओके। फिर इसके बाद मिराज, मृग तृष्णा, मृग होता है ना जिसको लगता है बस पानी है, रेत की तरफ एक चमक पड़ती है एंड उसको लगता है कि पानी है, वो भाग के जाता है बट फिर वहाँ पे रेत होती है, फिर उसको आगे कहीं पे उसी तरह से एक इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाई देती है और फिर लगता है कि पानी है, राइट, और फिर भाग के जाता है, और ये जो एक उसकी भाग है चली रहती, इसलिए कई बार जो चीज़ हम होती नहीं है बट हम उसकी इच्छा करते रहते हैं, तो कहते हैं ये एक तरह की मृग तृष्णा है ना, तो क्यों होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है उसकी वजह से होती है, ठीक है जी, साइंटिफिक रीज़न ये है, अब असली जीवन में किसी भी वजह से हो सकती है भाई, ठीक है, चलिए, ओके। 150 क्वेश्चन की बात करते हैं,
सोडियम मेटल को बेसिकली कलेक्ट किया जाता है और इसको किस चीज़ में रखा जाता है, यानी कि सोडियम धातु को आप किस चीज़ में डुबा के जो है रखते हैं, तो केरोसिन में, ठीक है जी, मिट्टी का जो तेल होता है ना उसमें रखा जाता है, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। देखो, एक होता है आपका क्रूड, जब आप निकालते हो ना ऑयल को तो वो क्रूड फॉर्म में होता है, कच्चा तेल क्रूड ऑयल होता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है और रिफाइन करके उससे पेट्रोलियम आप निकालते हो, बट बहुत सारे बायो प्रोडक्ट्स भी वहाँ से निकलते हैं। तो एक निकलता है आपका एस्फॉल्ट, ठीक है जी, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। ओके, मूव ऑन करते हैं। ड्राई आइस बेसिकली क्या होता है ये पूछा गया है, तो जो ड्राई आइस है वो आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये आता है क्वेश्चन और आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन बायोगैस प्लांट। तो जो आपके बायोगैस संयंत्र होते हैं कौन सी प्रक्रिया उसमें होती है, आपको ये बताना, फर्मेंटेशन है ना, किण्वन की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही बात। तो ये इसका जो है एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मूव ऑन करते हैं। फिर पूछा हुआ है द केमिकल यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि अगर खाद्य पदार्थों को आप मतलब एक सुरक्षित रखना चाहते हो तो कौन सा यूज़ करते हो, सोडियम बेंजोएट। मेरी मम्मा जब अचार डालती है तो कई बार जो है उसमें बेसिकली सोडियम बेंजोएट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइट ईयर किस चीज़ की यूनिट है, तो जो लाइट ईयर वो डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है, दूरी का मात्रक है लाइट ईयर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एलिमेंट फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है, कौन सा जो एलिमेंट है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलता है, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम कहीं ना ह्यूमन बॉडी के टोटल मास का ना 2% होता है। अगर हम आयरन की बात करें तो ये करीब 0.004% होता है, मेनली हीमोग्लोबिन में आपको मिल जाएगा। सोडियम की बात करें तो 0.04% होता है और प्राइमरली जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज हैं, फ्लड्स हैं, उसमें मिलता है, और हमारा जो बीपी होता है ना, ब्लड प्रेशर, उसके रेगुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फॉस्फोरस की बात करें तो हमारी बॉडी में 1% होता है, हमारे बोन टीथ के लिए अच्छा होता है और साथ में जो एनर्जी ATP होती है उसके लिए भी अच्छा होता है। तो कैल्शियम क्या है, 2% है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट फॉर ऑटोमेटिक इंजन्स, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेसिकली इथिलीन ग्लाइकोल, तो बी इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाफिंग गैस, यानी कि जो हास्य गैस होता है, कौन सी वाली गैस है जिसको ये कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है जी, एक नाइट्रिक होता है, एक नाइट्रस होता है, तो याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुलेट प्रूफ मटेरियल की यहाँ पे बात की गई है कि कौन सा पॉलीमर है जो बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है, हाँ जी, कौन सा है वो, तो आपके पॉली कार्बोनेट्स हैं, ठीक है जी, क्या है, पॉली कार्बोनेट्स हैं, तो बी इसका जो है यहाँ पे आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्लांट है जिसमें स्टेम नहीं होती, ठीक है जी, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें आपकी स्टेम नहीं होती, ये यहाँ पे जो है आपको बताना है। ओके, तो बेसिकली जो आपका ये है, जस्ट गिव मी सेकेंड, जो आपका ये स्वीट पोटैटो है, शकरकंद है, इसमें स्टेम नहीं होती, क्योंकि जो आपका स्वीट पोटैटो है ना, ये बेसिकली आपका एक तरीके से देखा जाए रूट्स हैं, ठीक है जी, तो इनका आपने जो है एक ये ध्यान रखना है कि स्वीट पोटैटो इसका एक राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट है। अगर हम बात करें जो शुगर कैन है, जिंजर है, पोटैटो है, कहीं ना कहीं इनके अंदर जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो चुके हैं, ये स्टेम बट वो मॉडिफाई हो चुके हैं, जबकि स्वीट पोटैटो जो है वो एक रूट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो लिस्ट आपको मैच करनी है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपका एंसेफलाइटिस है, बोन मैरो रिलेटेड हो जाएगा, बेसिकली आपका फाइलेरिया की बात अगर हम करें तो लिम्फ नोड हो जाएगा, ल्यूकेमिया की बात करें तो नो एक्चुअली दे इज सम मिस्टेक, फिर से एक बार उसको देखना पड़ेगा, यस, हाँ आप देखते हैं, एंसेफलाइटिस आपका ब्रेन से रिलेटेड है, यस, दिमागी बुखार है ना, बेसिकली फाइलेरिया की बात करें तो ये आपका हो जाएगा लिम्फ नोड, ठीक है, ल्यूकेमिया की बात करें ब्लड सेल कैंसर हो जाता है, करेक्ट है, और मलेरिया की बात करें तो बेसिकली ये आपका हो जाना चाहिए
ब्लड सेल्स रिलेटेड, अगेन दिस इज समथिंग रॉन्ग, जस्ट गिव मी सेकेंड. लगता है बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, तो आई एम जस्ट कन्फ्यूजिंग थिंग्स आउट देयर. ओके, अगर हम बात करें ए की, यानी कि इंसेफ्लाइटिस की, तो ये लिम्फ, ये ब्रेन से रिलेटेड है. ओके, ब्रेन से रिलेटेड है. फाइलेरिया या फाइलोरेसिस की बात करें तो ये आपका लिम्फ नोड से रिलेटेड है. ल्यूकीमिया की बात करें तो बोन मैरो, सही बात है, कैंसर मैंने बोला था. मलेरिया की बात करें तो ब्लड सेल, यस डी एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए, है ना. हाँ, डी इसका आंसर होना चाहिए. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट यस ये एक सही आंसर हमें यहाँ पे मिल गया. ओके, 162 क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली यहाँ पर आपका मैच है. ठीक है जी, तो जो विटामिन B2 है उसको राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा, है ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, कौन सा जो है भाई कीट नहीं है. ठीक है, तो स्पाइडर, मकड़ी जो है वो एक कीट नहीं है. ठीक है, ओके, बल्कि वो क्या है जो एक बेसिकली आर्कनिड क्लास होता है उससे रिलेटेड होता है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच यहाँ पर नहीं है. तो अगर आप देखेंगे तो जो विटामिन के है स्टरलाइजेशन से जो है वो नहीं सही है, बाकी आपके मैच करते हैं, तो उसका डी आंसर होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा जो पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, है ना, आर द सेंटर ऑफ सिटिटी एंड थर्स्ट लोकेटेड, मतलब जो एक परितृप्ति, मतलब एक मतलब होता है ना कि एक आपको तृप्ति हो गई है और एक मतलब थ्रस्ट है, तो कहाँ पे लोकेटेड है ब्रेन का पार्ट जो आपको ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली फील कराता है. तो इसका जो आंसर है जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, यस बी इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, ब्रेन के बारे में अगर आप कभी पढ़ेंगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग ये हो जाता है, कभी टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव टू द मॉडर्न मैन, यानी कि अगर हम एक प्राइमेट की बात करें तो मानव जो आज का आधुनिक है उससे सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड कौन सा है, तो वो होता है ऑरंगुटन, राइट. ये सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं. ओके, देन पूछा गया आरएच फैक्टर ये किससे रिलेटेड है. देखो आरएच फैक्टर का नाम है जो मंकी थे उनमें पहले पता चला था, तो कहीं ना कहीं इसका सी आंसर होना चाहिए. ओके, देन कौन सा वैसा सब्सटेंस है जो बेसिकली ब्रेड मेकिंग प्रॉपर्टी जो होती है व्हीट की उसको अफेक्ट करता है, यानी कि गेहूं में जो आप रोटी बनाते हो तो कौन सा है, तो ग्लूटेन. ग्लूटेन जो है कहीं ना कहीं आटे को एक तरीके से बांध के रखता है, है ना, और इसी से फिर मतलब उस प्रॉपर्टी की वजह से हम प्रॉपर जो ब्रेड है वो यहाँ पे बना पाते हैं, करेक्ट. ओके, देन देखते हैं वैक्स सॉल्यूशन जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल में यूज़ किया जाता है, क्यों किया जाता है. कई बार आपको लगेगा मोम के घोल का प्रयोग तो शाइन के लिए करता है, बिल्कुल करता है, बट वो एक सेकेंडरी आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि जो फल और सब्जियाँ उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी जाए, यानी कि उनके ऊपर एक ऐसी कोटिंग लगा दी जाए जो बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ उनका जो एक इंट्रैक्शन हो रहा है उसको कम करे, है ना कहीं उनके ऑक्सीडेशन को कम करे. तो इस वजह से उनकी जो एक लाइफ है भाई ज़्यादा दिनों तक ख़राब नहीं होंगे, उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है. तो बी जो है इसका सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगिंग इज बेनिफिशियल प्रोसेस. पैगिंग भाई एक बेनिफिशियल प्रोसेस है, क्यों है ये आपसे यहाँ पे जो है बेसिकली पूछा गया है. ओके, तो पैगिंग मैंने आपको बताया था ग्राउंड नट कल्टीवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था. तो ग्राउंड नट यानी कि सी जो है इसका एक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा. ओके, लाइट ईयर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बेसिकली है क्या. तो लाइट ईयर वो होता है, ये वो डिस्टेंस है जो एक लाइट ट्रैवल कर लेती है एक साल में. लाइट ईयर एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की, ठीक है जी, एक अंतरिक्षीय दूरी आप मान लीजिए उसकी एक यूनिट होती है. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, वो दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट फ्रॉम द इनविजिबल पार्ट ऑफ द सनलाइट. ठीक है, सूर्य के प्रकाश का जो अदृश्य भाग है ना, जो विजिबल पार्ट नहीं है, उसका जो यूज करता है फोटोसिंथेसिस में तो कौन करते हैं. तो बेसिकली जो बैक्टीरिया है ना, वो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इस इंफ्रारेड पार्ट को, नॉट विजिबल मतलब इंफ्रारेड पार्ट जो है सनलाइट का, उसको यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं.
विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0.35 गिव्स इंच, भाई कौन सा ऐसा यूनिट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर है, क्योंकि वन इंच जो है अप्रॉक्सीमेटली 2.54 सेंटीमीटर के अराउंड होता है, ठीक है। तो आई होप इसका जो आंसर है वो होना चाहिए सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डस एन ऑप्टिकल फाइबर वर्क, ठीक है, ऑन विच ऑफ द, ठीक है, मतलब कौन से सिद्धांत पे जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर वर्क है वो काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। देखो ऑप्टिकल फाइबर की बना ऐसी होती है और इसमें ना इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से ये ज़्यादा दूरी तय कर पाते हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कर पाते हैं, ठीक है, और इसीलिए इनमें कनेक्टिविटी भी हमें जो है बहुत बेहतर मिलती है। तो इसका जो आंसर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी कि ई जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके 175 क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट कर देती है मूव करना, जो पैसेंजर इसमें बैठे हुए होते हैं वो पीछे की तरफ उनको धक्का लगता है, इसका रीज़न क्या है? इनर्शिया ऑफ बाई स्टेबिलिटी, स्थिरता का जड़त्व था, जिस पोजीशन में हम बैठे थे उसी पोजीशन में रहने का ट्राई करते हैं तो इसलिए पीछे की तरफ धक्का लगता है, फिर ट्रेन आगे की तरफ जाती है। ओके विच टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन रिसीवर, टीवी है उसका एक रिमोट कंट्रोल होता है, बटन दबाते हो दूर से ही सारे काम हो जाते हैं, तो ऐसा क्या है? इंफ्रारेड उसके अंदर एक्चुअली जो अवरक्त तरंगे हैं वो काम करती हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज इन फ्रूट राइपनिंग, फिर से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, फल को पकने में कौन सा यूज करते हैं आपका, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि बेसिकली आपका जो एथफोन है ना वो यूज होता है, ठीक है जी, ठीक है, ध्यान रखना। ओके बायोगैस में मेनली क्या होता है, अगर बात करें बायोगैस की तो उसमें मेनली क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है जी, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बायोगैस में मेनली होता है। एसिड रेन जो होती है तो कौन सा एयर पॉल्यूशन जो है रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए? तो भाई अगर वायु में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का जो है प्रदूषण है तो वो अम्ल वर्षा के लिए जो है बेसिकली जिम्मेदार होता है, करेक्ट है। ओके दो लिस्ट दी हुई है उनको मैच करना है, एक हार्मोन है और वो हार्मोन किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है? स्रावण ग्रंथि, उससे जो है आपको इसको मैच करना है, ध्यान से मैच करेंगे, ठीक है। ओके अगर हम बात करें बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन की, ठीक है, तो प्रोजेस्ट्रॉन आपका यूट्रस फीमेल से मैच कर जाएगा। टेस्ट्रोन की बात करें मेल से, लेकिन यहाँ पे ओवरीज नहीं टेस्टीज आना चाहिए, ओवरीज जो है फीमेल में होते हैं, यहाँ पे टेस्टीज होंगे और हिंदी में इसको अंडाशय नहीं वर्षण बोलता है, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थायरोक्सिन की बात करें तो थायराइड से मैच कर जाएगा, और इंसुलिन तो पेनक्रियाज, बहुत बढ़िया, ये इसका आंसर होना चाहिए। प्लीज़ याद रखना यहाँ पे वर्षण आएगा और यहाँ पे आपका टेस्टीज आएगा, ठीक है, क्योंकि मेल के अंदर यही होता है। ओके ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण यहाँ पे जो है आपको बेसिकली दिया हुआ है, पूछा गया है बोथ द रिच एंड द पुअर आर माल नरिश्ड इन इंडिया, भारत में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो कुपोषण का शिकार है, बिल्कुल है, सही बात है। रिच क्योंकि गलत खाना खाते हैं, पुअर क्योंकि उनको खराब क्वालिटी का खाना मिलता है, इसलिए ऐसा है, सही बात है। देखो जो लोग अमीर हैं उनको इसलिए तो कुपोषण है नहीं कि उनको खाना नहीं मिलता, बल्कि वो क्या खा रहे हैं? जंक फूड्स खा रहे हैं, रॉन्ग फूड खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, ठीक है जी, हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, इसलिए वो कुपोषित हैं। और गरीब क्यों कुपोषित हैं? क्योंकि उनको खाना ही नहीं मिलता है। तो यस ए और आर दोनों ठीक है, एक्सप्लेन भी करते हैं एक दूसरे को, तो ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, लिस्ट को आपको मैच करना है, डिजीज दी हुई है और बेसिकली उसका कॉज भी आपको यहाँ पे जो है दिया हुआ है, ठीक है जी, तो मैच करते हैं। चलिए 182 क्वेश्चन, ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ई की वजह से, रतौंधी विटामिन ई हो गया, ठीक है, इसके बाद फिर आपका रिकेट्स विटामिन डी, ठीक है जी, सही बात है। स्कोवी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी, ये भी ठीक है, और बेरी बेरी की बात करें तो विटामिन बी, ये भी जो है यहाँ पे ठीक हो गया, तो ये हमारा मैच कर रहा है आई थिंक सी से, यस सी इसका जो है यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके 183 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सीड टेस्टिंग इज डन बेसिकली, भाई बीज का परीक्षण हम करते हैं ना, क्यों करते हैं भाई? बीज प्योर है कि नहीं, स्टोरेज कितना कर सकते हैं, शेल्फ लाइफ कितनी है ना, और मॉइस्चर कंटेंट कितना है, जितना मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा उतना ही उसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा होंगे, तो सीड की टेस्टिंग सभी चीज़ों के लिए की जाती है, उपरोक्त सभी,
ठीक है, डी आंसर। ओके, फिर आपको लिस्ट दी हुई है, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं और साथ में उनके क्या हैं, आपको प्लेसेस दिए हुए हैं, मैच करना है। ठीक है जी, चलिए कर लेते हैं मैच। तो बेसिकली अगर देखें, इसरो को मैच कर सकते हैं बेंगलुरु से, करेक्ट है। IUCAA को मैच कर सकते हैं हम बेसिकली पुणे से, IUAC को मैच कर सकते हैं न्यू दिल्ली से, और VSSC को तिरुवनंतपुरम से मैच कर सकते हैं, है ना। यस, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन रहा है, ए हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। चेक कर लेते हैं, यस ए इज़ द आंसर। ओके, फिर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि जो आपकी बेसिकली एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है उसको अगर कन्वर्ट करना है डायरेक्ट करंट में, डिस्ट करंट में, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे। हाँ जी, तो क्या यूज़ करेंगे, ये तो आसान क्वेश्चन है, रेक्टिफायर, राइट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 186, ठीक है। 186 में पूछा गया है कि बेसिकली अगर आपको एक फुल इमेज देखनी है किसी पर्सन की, तो जो प्लेन मिरर एक होता है, एक समतल दर्पण की अगर बात करें, उसकी ऊंचाई कितनी, अगर किसी इंसान को पूरा देखना है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये पूछा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हाफ ऑफ द पर्सन हाइट, व्यक्ति की जितनी ऊंचाई है ना, कम से कम उसका आधा तो होना ही चाहिए, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ी रॉन्ग दी हुई है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, तो आई जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, पूछा गया है कि कौन सा जो है एक एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का, कार्बन का एक अपरूप नहीं है पूछा गया है, तो ऑक्सो कार्बन, ठीक है जी, यानी कि सी इसका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा हुआ है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है, कौन सा वो केमिकल है। कुछ देर पहले भी हमने इसको पढ़ा था, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। मैंने बताया था मेरी मम्मा अचार वगैरह को प्रिजर्व करने में कई बार इसको यूज़ कर लेते, कुछ अचार होते हैं ना जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है, कुछ होते हैं जिनको आप लॉन्ग टाइम तक नेचुरली प्रिजर्व करके रख सकते हो, ठीक है। विच केमिकल कंपाउंड इज प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है जी, ब्लीचिंग पाउडर में आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल ऑयल फाउंड इन क्लोव्स, तो जो आपकी बेसिकली लॉन्ग है उसको यूज़ करते हैं ना, टीथ पेन में भी यूज़ करते हैं, और सर्दियों में चाय में भी डालते हैं तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, एंड इसके अलावा अगर आप काढ़ा बना रहे हो सर्दी खांसी जुकाम के लिए, तो उसमें भी यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो कौन सा इसके अंदर एक ऑयल होता है, तो बेसिकली यूजिनॉल, ये ऑयल इसके अंदर होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ओके, अजोला क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, अजोला एक्चुअली एक एक्वेटिक फर्न, एक जलीय जो है फर्न है, तो इसका जो आंसर है वो सिंपली ए हो जाएगा। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विटामिन सी किस चीज़ के एब्जॉर्प्शन में हमें जो है हेल्प करता है, तो विटामिन सी हमें आयरन को जो है एक तरीके से अवशोषित करने में हेल्प करता है। ओके, सिर्फ बहुत कम क्वेश्चन रह गए, फटाफट उनको क्लियर कर लेते हैं, देन हमारी क्लास जो है आज की ओवर हो जाएगी। ओके, द रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन, वक्त से अगर मूत्र की जो मात्रा का निस्तारण होता है किस हार्मोन के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, दैट इज ADH, एंटी डायुरेटिक हार्मोन, ठीक है जी। तो ये ADH एंटी डायुरेटिक हार्मोन को जो है आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, 155 की बात करते हैं, जो साउंड की स्पीड है एयर वाटर स्टील में वो कितनी होती है, देखो साउंड की जो स्पीड है नॉर्मल एयर में वो 340 मीटर पर सेकंड होती है, वाटर की बात करें तो करीब 1430 मीटर पर सेकंड होती है, और स्टील में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 509 10 या 20 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस में स्टील में है, फिर किस में आपकी वाटर में, देन किस में एयर में है, तो आई होप इसका ए आंसर हो जाना चाहिए, है ना, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ब्लू रिवॉल्यूशन, आपका भाई नीली क्रांति से कौन सा संबंधित है, फिश मत्स्य पानी, राइट, आसान है। ओके, 197 क्वेश्चन, अगर आपको क्या है बेसिकली डिटेक्ट करना है ट्यूमर को, तो आपको उसको जो है यहाँ पे यूज़ करोगे। देखो इसके अगर मैं आंसर की बात करूँ ना,
तो जो आपका आर्सेनिक 74 है वो दरअसल टिपिकली मॉडर्न मेडिसिन में हम यूज़ ही नहीं करते हैं क्योंकि टॉक्सिसिटी की कंसर्न रहती है। कोबाल्ट 60 की बात करें तो रेडिएशन थेरेपी में ट्यूमर को यूज़ करने के लिए इसको यूज़ तो करता है बट डिटेक्ट पूछा गया है ना, थेरेपी में इसको यूज़ करते हैं। अच्छा सोडियम 24 की बात करें तो देखा जाए इसकी भी कुछ एप्लीकेशन है डायग्नोस्टिक इमेजिंग की अगर हम बात करें बट ट्यूमर डिटेक्शन के लिए नहीं। कार्बन 14 की बात करें तो इसका बेसिकली रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखा जाए कोई भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर बहुत फिट नहीं होता है बट ट्रीटमेंट के लिए क्योंकि कोबाल्ट 60 तो यूज़ होता है तो बी ऑप्शन की तरफ एक बार को हम फिर भी जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा ठीक है। ओके 198 क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइफ सेविंग और रेस्क्यू इरिगेशन की अगर हम बात करें तो भाई किस टाइम पे वो सिंचाई जो है होती है कि उसको जीवन रक्षक सिंचाई कह देते हैं। इरिगेशन एट द क्रिटिकल ग्रोथ एज, ठीक है। देखो लगातार अगर आप पानी का बहाव कर रहे हो वो अच्छा नहीं माना जाता है। एक PWP इरिगेशन होती है वो भी इतनी बेहतर नहीं मानी जाती है। सुखाना फिर गीला करना ये भी नहीं। एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आती है पौधों को, फॉर एग्जांपल बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था, बस फसल की डेथ ही होने वाली है, अगर उस टाइम पर उसको इरिगेशन मिल जाए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो बी जो है इसका यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी जो है ऑडियो सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए जो है टीवी टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट में यूज़ होती है, यानी कि जब टेलीविज़न प्रसारण होता है तो उसमें जो श्रव्य संकेत है उनके लिए कौन सी तकनीक आप यूज़ करते हो, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली आपका आ जाएगा फ्रिक्वेंसी एट्रीब्यूशन। बेसिकली ये फ्रिक्वेंसी एट्रीब्यूशन भी नहीं, यहाँ पे ना करेक्ट आपका जो होना चाहिए वो मैंने कमेंट दिया, वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जितने ऑप्शन दिए गए उसमें ये सबसे सही बैठता है तो हम इसको आंसर मान लेंगे। याद जो आप करके रखिएगा वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन रखिएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अड़साली क्रॉप, गन्ने की जो अड़साली फसल होती है वो पकने में कितना टाइम ले लेती है, लगभग 18 महीने का टाइम जो है ले लेती है, तो सी इसका जो है एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमारे 9 क्वेश्चन बच गए हैं, फटाफट उनको भी कर लेते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि जो हमारी पनडुब्बी चालित प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र है, ओके उसके बारे में, ठीक है। तो देखो इसको DRDO ने बनाया ऐसा ये कह रहा है। देखो DRDO ने इन प्रोजेक्ट्स को लेके काम किया ये बहुत सही बात है, बट DRDO के अंदर कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है बहुत क्लियर नहीं है, बट यस सही हो जाएगा। और ये जो इंस्टॉल किए जाएंगे वो सबमरीन INS अरिहंत पे किए जाएंगे, ठीक बात है। इनकी रेंज 700 किलोमीटर है। अब इसमें भी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, दरअसल ये ना K क्लास की हैं, K1, 2, K4, K5 इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ना बताई नहीं गई है। 4000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर की रेंज को भी लेकर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इनिशियल वाले जो है वो 700 किलोमीटर वाले भी हैं। तो देखा जाए तो ऑल करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, बट ध्यान रखना इनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं है, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है कि अगर हम बात करें वैरायटी ऑफ पिजन पी की, ठीक है, तो बेसिकली दो क्रॉप बेसिकली जो वीट के साथ सूटेबल होती हैं वो बताओ। तो द वैरायटी ऑफ पिजन पी सूटेबल फॉर टू क्रॉप्स विद वीट इज, तो ये आपको बताना है गेहूं के साथ दो फसलों के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है आपको ये बताना है, तो वो आपकी है UPAS 120, ठीक है जी, सी इसका जो है आंसर एक हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निक्स एंड हाइड्रा ये मून है, किसके मून है, निक्स और हाइड्रा किसके मून है, प्लूटो के, राइट है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैस्ट, आपको ये बताना है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये हैदराबाद में है, बिल्कुल है भाई, ठीक है। ओके उसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो सैटेलाइट सेंटर है वो श्री हरिकोटा में नहीं है, वो बैंगलोर में है, ये बिल्कुल ठीक मैच है, ये बिल्कुल ठीक मैच है, तो सी जो है इसका बेसिकली एक आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और 205 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अबाउ 1500 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आपको इससे भी ज़्यादा सेल्सियस का तापमान माप करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, पाइरोमीटर यूज़ करोगे, ठीक है, ध्यान रखना, तो इसको आप यूज़ करते हो। ओके 206 क्वेश्चन, अ बबल ऑफ एयर इन वाटर एक्ट एज,
ठीक है जी। तो अगर जल में वायु का एक बुलबुला है तो वो किस तरीके से काम करता है? कॉनकेव लेंस की तरह। ठीक है जी। कॉनकेव देखो मिरर भी है बट नहीं, आंसर होगा एक कॉनकेव लेंस की तरह, एक अवतल लेंस की तरह। ठीक है। 207 व्हेन द एक्वेटिक फॉर्म व्हिच इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, एक जलीय फॉर्म जिसको हम जैव उर्वरक के रूप में भी यूज करते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा? अजोला। यस, रिपीट है ये क्वेश्चन, है ना, अलग तरीके से रिपीट है। ठीक है। ऑक्सीजन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फोटोसिंथेसिस वो कहाँ से आती है? तो अगर हम बात करें वाटर से, मैंने बताया था ना H2O, तो ऑक्सीजन आपकी वाटर से आती है। एंड आई थिंक यस, ख़त्म होता है 208 क्वेश्चंस ऑल वी हैव, जो हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको मज़ा आया होगा इतनी सारी चीज़ों को पढ़ते हुए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कम टाइम लेते हुए भी आपको जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझा दिया जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए अपने सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। एंड जल्द मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यस, इसका रिविज़न भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा और जल्द मिलूंगी मैं आप लोगों को। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।